हमारा स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम कैलेंडर ईयर स्टार्ट करते हैं, हमारा ये ट्रेडिशन भी रहा है कि गुरु जी के आशीर्वाद के साथ ही कैलेंडर ईयर स्टार्ट करें 1 जनवरी को। दिस ईयर हम फाइनेंशियल ईयर भी गुरु जी के आशीर्वाद के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो फाइनेंशियल ईयर में चेंजेस आई हैं वो हमें पहले दिन से पता हो कि क्या क्या इनकम टैक्स में चेंज हुआ है। आज इस उपलक्ष के विषय पे ही हमने ये प्रोग्राम रखा है। मैं आप सबका चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से, वॉइस ऑफ सीए की तरफ से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे साथ टैक्स गुरु सीए डॉक्टर गिरीश उजा जी, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर फाउंडर वॉइस ऑफ सीए सीए संजय अग्रवाल जी, और उनके ही सुपुत्र श्री ऋषभ अग्रवाल जी जो हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपर्ट है, अगर आपकी क्यूरी होगी उसके रिलेटेड वो रिजोल्व करेंगे। सीए अशोक बत्रा जी वो भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के लिए, उनके किसी मेरे ख्याल में नॉन में कोई डेथ हो गई है तो वो वहां गए हैं, अगर ज्वाइन कर पाए, नहीं तो उन्होंने चार्ज दे दिया मेरे को और पीयूष जी को, जो चेंजेस आई हैं वो आप समझा देना, वो कहते हैं आपको बता दिया वो आगे बता देना। तो उसके अलावा दिनेश जी हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर, अब वाइस चेयरमैन है एनआईआरसी के, देन जोगेश बांका जी जो हमारे उड़ीसा से है, मेरे साथ कॉर्पोरेट मेंबर थे बोर्ड ऑफ स्टडीज में लास्ट ईयर, पीयूष बांसल जी, और लगभग 352 अटेंडीज मतलब अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 352 ज्वाइन कर चुके हैं जूम पे अपार्ट फ्रॉम कालरा जी, यूट्यूब, एंड रविंद्र कालड़ा जी वो गुरुजी ने कह दिया कंपटीटर हो गए, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा इनका, किताबें लिख दी इन्होंने तीन ना। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम में, जो हमने फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसलिए रखा है कि जितनी भी चेंजेस बजट में आई थी, ऑल्दो हमने बजट में भी प्रोग्राम किया था, आज की डेट में हम बजट भी रिवाइज करेंगे और बजट की डेट के बाद क्या क्या चेंजे अमेंडमेंट्स हुई हैं वो भी हमें गुरुजी बताएंगे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट हमने करना है इन डे टू डे लाइफ इनकम टैक्स के प्रति। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आज हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, मैं एक चीज बताना भूल गया कि वो डायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं हमारे, तो वो डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड भी आपको इसके रिलेटेड जो भी होगा बाद में अपडेट करेंगे। संजय जी आप पहले अपडेट करना चाहोगे या बाद में? नहीं, संजय जी को बोलने दीजिए पहले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे संजय जी पहले आप बोलिए। कोई बात नहीं सर, गुरु जी जैसे। तो फिर मैं स्टार्ट में संजय जी को, चलो सर छोड़ो आप मतलब वो बार बार कहने के बजाय आप वेलकम ही कर दो सर संजय जी, चलो ठीक है कि नहीं? थैंक यू अश्वनी जी, थैंक यू व्यूअर्स, गुरु जी को शत शत प्रणाम और धन्यवाद जो है कि आप आए और आपने, मुझे पता है कि कल से आप जो है वो किताबों के ऊपर अपडेशन में लगे हुए हैं, आपने टाइम निकाला, शायद ये आपका प्यार हमारी जो है वो तरफ है जिसकी वजह से आप आए। दिनेश शर्मा जी अपने एनआईआरसी के वाइस चेयरमैन, बांगा जी कालरा साहब हमारे प्रमोटर, और जो है मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है जो हैंड टू हैंड जो है अब इन चीजों के लिए सब चीजों के साथ में लगी हुई है, ऋषभ अग्रवाल, और बेटी मेरी जो है अभी वो कहीं गई हुई है तो मैंने उसको कहा था कि आज वो भी ज्वाइन करे, सो दैट इट इज द फैमिली ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेट मी टेल यू दैट व्हाट एवर चेंजेस हैव कम, देर आर फ्यू थिंग्स विच गुरुजी वांटेड टू ऐड दैट we will take in the post budget memoranda. We have already given some of them, we have contributed, some of them have been picked up, but somewhere those have not found favor in the ministry. Now it's a continuous process, let us continue to do the same. This year in the direct tax committee we have decided that we'll have some connect program with the public, train the trainers also, because we are short of you can say faculty, so we'll have difficulty development also, and we'll try to have the connect with the highest up in the ministry, and lot of hiccups, lot of technical difficulties which are being faced by the member in filing the return. We have already sent an email
to send us the details along with the PAN, etc., so that we can take up with the board where our technical issues are there, so that those can be solved without filing the even 154 at the back. So these are the small things which we have started doing in this month. Besides, we have experts group which we have floated in the direct test committee. If you have some experts in your area and you think that they can contribute voluntarily in the direct test committee, in this circumstances, you can refer them to us at dtc@ici.in or to me in my personal email ID also. So this is the little background. I will request Guruji to take each and every point wherever he deems important. And as already Ashwani ji has said that you will have the review of the budget provision also. So not only the changes which has been made in the Lok Sabha and Rajya Sabha and finally notified, but the changes which have been made as compared to last year. Any query we can handle in the end. I will not take much of your time. Thank you very much, Ashwani. थैंक यू संजय जी. आप सबको पता है कि गुरुजी आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो गुरुजी ने मतलब आज हमें पूरा डिटेल में बताना है कि इनकम टैक्स हमने अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कैसे करना है. संजय जी ने जैसे बताया कि गुरुजी की बुक्स भी आने वाली हैं, अभी मैंने गुरुजी से इनविटेशन भी ले लिया कि मैं कब रिलीज करने आऊँ. बस बिल की बात नहीं हुई, बिल जाके बात करूंगा गुरुजी कितना चार्जेस करना है आपसे. तो आपको शुभकामनाएं. जो नई किताबें आनी है तो इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया आए कि हमें इजिली समझ आ जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी को टू स्टार्ट विद द सेशन सर. गुड इवनिंग टू एवरीवन. चेयरमैन ऑफ द डायरेक्टर्स कमेटी बोथ ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड द सेंट्रल काउंसिल मेंबर सी ए संजय अग्रवाल जी एंड ही इज द फाउंडर ऑफ द वॉइस ऑफ सी ए एसोसिएशन ऑल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल सी ए दिनेश शर्मा जी, author of the present day, the author of the two books, one on cash transactions and another on what you call presumptive taxation, CA Ravinder Kalraji, Yogesh Bankaji, Piyush Bansalji, Rishabh Agarwalji, of course, and the karta of the CA profession. Inka naam to baad mein lena padega, karta of the CA profession, CA Ashwani Jantilji, and of course, he's there for the Vice CA Association also, ladies and gentlemen. Well, friends, let me tell you, so many changes had come when the budget bill was presented, and now it has finally passed and given assent by the president only yesterday on 31st March. There were certain points which I raised before then. And this was regarding Section 87A. You know that now you have to go for new scheme. If you want to go for old regime, you have to opt for old regime. Otherwise, by default, you are in the new regime. New regime ke baare mein aapko maloom hi hai ki now from assessment year 24-25, you will remain in the new regime unless you opt for old regime. And the tax rate in the case of 115BAC subsection 1 capital A, jo section 115BAC subsection 1 tha, usko sunset kar diya gaya hai, wo up to 31st March 23 tak ka hai. Is assessment year 23-24 mein 115BAC subsection 1 lagega, where you had to opt for new regime, and otherwise you were always in the old regime. लेकिन अब उल्टा हो गया. नाउ न्यू सेक्शन है स्टार्टेड 115BAC सबसेक्शन 1 कैपिटल ए व्हिच क्लियरली सेज दैट यू आर बाय डिफॉल्ट इन न्यू स्कीम. इफ यू वांट टू गो फॉर ओल्ड रिजीम सेक्शन 115BAC सबसेक्शन 6 सेज यू हैव टू ऑप्ट फॉर. वो 115BAC सबसेक्शन में लिखा है आपको ऑप्ट करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न दैट यू वॉन्ट टू गो टू ओल्ड रिजीम. अगर आपने ओल्ड रिजीम में जाना है तो प्लीज
ये बता दूं, अगर आप यू आर कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन, योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एजुकेशन, देन इन दैट केस प्लीज थिंक ओवर बिफोर यू स्विच ओवर टू ओल्ड रिजीम, बिफोर यू गो टू ओल्ड रिजीम. क्योंकि वंस यू गो टू ओल्ड रिजीम, इन द केस योर टोटल इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यू विल रिमेन देयर इन द ओल्ड रिजीम. एक बार आपने ओल्ड रिजीम के लिए अप्लाई कर दिया, आपकी टोटल इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है, तो आप ओल्ड रिजीम में ही रहेंगे. एक मौका दिया जा सकता है, इफ यू वॉन्ट टू कम बैक टू द न्यू रिजीम, एक ही ऑप्शन है, एक ही बार. नहीं तो आपको एक बार ओल्ड रिजीम में गए, आप वहीं बैठे रहना. नई रिजीम आने के लिए एक बार वापस आ सकते हैं, दोबारा फिर आप ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते. इसलिए जिनकी टोटल इनकम में प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, काइंडली टेक ए डिसीजन बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न. सीरियसली लेना, 95% केसेस में न्यू रिजीम बेटर नजर आती है, लेकिन कईयों के लिए ओल्ड रिजीम बहुत अच्छी है. मेरे लिए भी ओल्ड रिजीम है, वो कारण बताऊंगा. न्यू रिजीम के लिए अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. पर आपकी टोटल इनकम में बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आप न्यू रिजीम में तो है ही है. ओल्ड रिजीम में जाने के लिए आपको कोई रिटर्न में डाल देना पड़ेगा, कोई फॉर्म शायद ना आए कि मैं ओल्ड रिजीम में जा रहा हूं. अगले साल आप फिर न्यू रिजीम में आना चाहते हैं तो मत डालना. एवरी ईयर यू कैन चेंज. इन द केस योर टोटल इनकम डू नॉट इंक्लूड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यू कैन चेंज एवरी ईयर. चेंज करने का मतलब ये है कि आपको ओल्ड में जाना है तो लिखना है, न्यू में तो आप बाई डिफॉल्ट है ही है. एक बार आप ओल्ड में चले गए, फिर न्यू में नहीं भरा तो फिर आप वो रहेंगे. लेकिन बिजनेस के केस में आपको एक बार ओल्ड में गए तो आपको वही रहना है जब तक कि आप एक बार वापस आ सकते. ये पहला पॉइंट था. आपको पता है वहां क्या इनकम माफ है. फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 3 लाख 5%, नेक्स्ट 3 लाख 10%, नेक्स्ट 3 लाख 15%, नेक्स्ट 3 लाख 20%, एंड अबाउ 15 लाख आपको पता है 30% है. सरचार्ज तो वही है, लेकिन एक ही चीज है, अगर 5 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर इनकम हो तो सरचार्ज नई रिजीम में 25% रहेगा, इवन इफ इट इज मोर देन 5 करोड़. वेयर एज ओल्ड रिजीम में 5 करोड़ से ऊपर सरचार्ज 37% है, लेकिन न्यू रिजीम में सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड 25%. ये तो मैंने बता दिया. अब मेरा झगड़ा क्या हुआ था, मुझे याद है 8 फरवरी को लेक्चर था, बुलाया गया था कमिश्नर्स वगैरह को दिल्ली में, तो और बाकी उनको सारे वो इंडिया में कमिश्नर वगैरह सुन रहे थे. इधर लॉ प्रेमर थे, इधर मैं बैठा हुआ था. तो उसमें ये बातें तो न्यू रिजीम की बातें होती रही. तो अब मैंने कहा, अब सुनिए सर, आपने ये कह दिया दैट यू डोंट हैव टू पे टैक्स इफ योर टोटल इनकम अंडर द न्यू रिजीम डज नॉट एक्सीड ₹7 लाख. तारा जी यही था ना, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना. ये 7 लाख का टैक्स देने वाला काम नहीं था, टैक्स तो 3 लाख के ऊपर है. लेकिन एक 87A में रिबेट है, और 87A में रिबेट है. ऋषभ जी आपको मालूम है 87A में रिबेट है, जिसको ने रिबेट कह दिया कि दैट इफ यू आर अंडर ए न्यू रिजीम योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख, उस केस में आपको हम रिबेट दे देंगे द इंटायर टैक्स और 27,500 विच एवर इज लेस. यही था सर, यही था कि इतना आपको रिजीम में हम टैक्स दे देंगे. मैंने उनको कहा सर मेरी इनकम 7 लाख है, आप मुरा पूरा रिबेट हमें देने जा रहे हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, रिबेट दे दिया. लेकिन सपोज कीजिए मेरी टोटल इनकम 7,10,000 हो जाती है या 7,01,000 हो जाती है कालरा जी, तो मुझे सॉरी 25,000 रुपया रिबेट है मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम रिबेट 25,000 रुपया है. मतलब इंटायर टैक्स और 25,000 तक मैक्सिमम है. 7 लाख पे टैक्स 25,000 रुपया बनता है. कैसे, 3 पे 0, अगले 3 पर 5%, 15,000, और अगले दो पे बचा 10%, कितना ना सॉरी अगला 1,000, 6 के बाद 1 आया, 1,000 पर 10%, 10,000, 10,000 और 15,000, 25,000, पूरे का पूरा रिबेट मिल गया, इसलिए कोई टैक्स नहीं. मैंने उनको कहा 7,01,000 है तो टैक्स कितना बनेगा, अब रिबेट तो मिलेगी नहीं क्योंकि मेरी इनकम तो 7 लाख से ऊपर हो गई, तो अब टैक्स बनेगा 25,000 तो वो भी गया, और 1,000 रुपये पे 100 रुपया, 25,100 × 4%, 26,004 रुपये टैक्स बनेगा.
मैंने कहा अश्विनी जी कमाया 1000 और 26,004 रुपए टैक्स कैसे दे दूं, ये कौन सा लॉ बनाया आपने? 7 लाख तक तो कुछ नहीं, और 7 लाख 1000 26,004 और मैं 7,10,000 हो जाए मेरा अश्विनी जी, 7,10,000 तो 10,000 पे 1000 और 25,000 पिछला भी गया, 26,000 4% उसपे वो लगाई एजुकेशन टैक्स 10,040 27,040 कमाल कर दिया, कमाओ 10,000 और टैक्स दू 27,040 और मेरा दिमाग खराब है मैं कमाऊंगा? मैंने कहा पहले तो हम डोनेशन दे दिया करते थे, सैलरी वाला आदमी है डोनेशन दे दे, चलो सरकार को दे दिया, इनकम हमने 5 लाख तक कर दी तो कोई बात नहीं, अब तो सैलरी वाला कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकता, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है, बिजनेसमैन तो फिर भी कर लेगा, इनकम को 7 लाख ले आए, लेकिन सैलरीड इंप्लॉय को आप कोई ना कोई डिडक्शन दे रहे हैं 80C से 80U, ना ही आचार्य दे रहे, नहीं है, वो अपनी एडजस्टमेंट कैसे करेगा मुझे ये तो बता दो, वो तो मर गया ना 7,10,000 कमा के, 10 कमाओ 27,040 रुपए टैक्स दो, 1000 कमाओ एक्स्ट्रा 26,004 रुपए टैक्स दो, ये कौन सा लॉ है? बहुत शोर मचा वहां पर, वो वहां पर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठे थे दिल्ली के, वो उनको बोल रहे थे ये क्या कह रहे हैं, तो सीख थी, कोई मार्जिन रिलीफ नहीं था, मैंने इनको एक मार्जिन रिलीफ दिया था लेकिन वो उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इस नोटिस अमेंडमेंट में उन्होंने अब एक कालरा जी एक अमेंडमेंट कर दी है, जब 87A है ना उसके दो क्लॉजेस कर दिए, एक तो वही 25,000 टैक्स और 25,000 रिचेबलेस, लेकिन दूसरे में लिखा है सपोज आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, सपोज आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, 7,10,000 तो जो टैक्स होगा दैट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख, द टैक्स पेबल कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख, तो ऋषभ जी जब 7,10,000 होगा तो टैक्स पेबल कितना होगा? 26,000 जी, 7,10,000 आप 26 नहीं है, अब उन्होंने कह दिया कि आपका जो टैक्स बनेगा वो 7 लाख से ऊपर जितनी है उसकी टोटल इनकम जितनी भी ज्यादा है उससे ज्यादा टैक्स नहीं है, ये मार्जिन रिलीफ दिया तो कितना हुआ? 7,10,000 है तो मेरा 10,000 ज्यादा हुआ तो टैक्स 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, ये रिलीफ दे दिया, अगर 20,000 है तो 20,000 से ज्यादा नहीं होगा, समझ में आ गया, अगर 30,000 है तो नॉर्मल प्रोविजन में आ जाओ जो नॉर्मल प्रोविजन है, 15,000 तो 15 से ज्यादा नहीं होगा, ये हमारे को रिलीफ दिया, और अश्विनी जी ये भी रिलीफ पूरा नहीं है, 10 तो दे दिया मैं 10 से ऊपर नहीं होगा, ऋषभ जी 4% तो लेंगे सरचार्ज, वो बोला मेरे से एजुकेशन टैक्स, 10 कमाया 10,400 रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 कमाया 7 से ऊपर 5,200 रुपए देने पड़ेंगे, 20,000 कमाया तो 20,800 रुपए देने पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं मेरे अश्विनी जी? नहीं नहीं चलो सर ये बढ़िया हो गया, लोग कहते हैं 2,000 रुपए टैक्स दे दो 7,02,000 की तो भर लेंगे, 7,02,000 रुपए 2,880 रुपए पड़ेंगे, और चलो 2,080 दे देंगे सर, अबे दो कर कमाया 2,080 ले लिए क्या कमाने का फायदा हुआ? अरे बाबा जी कंबोज जी 2,000 कमाए और 2,080 ले रहे, पहले तो 2,000 कमाए तो कितने ले रहे थे 27,000 26,000, इतना तो मान लिया मेरी बात, लेकिन मार्जिन रिलीफ कितना दिया? मतलब जितना टैक्स बनता है उतना ही लेंगे उससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो मैंने अगर 7,10,000 कमाया तो टैक्स कितना बनेगा? 10,000 होगा, लेकिन ये नहीं दिया कि 10,000 के ऊपर वो एजुकेशन टैक्स नहीं बनेगा, एजुकेशन टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा, रविंदर कालरा जी आप ऑथर हैं ध्यान रखना 10,400 लगेगा 10,000 नहीं लगेगा, क्लियर है जी कालरा सर? 10,400 20,000 एक्स्ट्रा कमाया तो 20,800 देना, क्योंकि 25,000 की रिबेट तो खत्म हो गई लेकिन 25,000 तो बच गया ना, पहले तो 7,20,000 कमाना था तो 25 वो भी गया था और 20,000 पे 2,27 हुए प्लस 4% 28,000 कितना टैक्स है, ये लॉ बनाया था सर उन्होंने, ये लॉ में अब उनको शर्म आई तो थोड़ा बहुत उन्होंने रिलीफ तो दे दिया, ये रिलीफ वैसे ही है जो सरचार्ज का होता है, आपको पता है जरा ध्यान से सुनना कॉलर जी, सुनने वाली बात है, आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है ना सर, 50 लाख के ऊपर 10%, ठीक है सर, अब 10% टैक्स है सरचार्ज, अब आपकी 50 लाख 50,000 टैक्स इनकम है,
50 लाख 50। इन्होंने मार्जिनली पता क्या दिया हुआ है, क्या कि एक्स्ट्रा 50,000 रुपए 30% तो आपने देना ही देना है। दे दिया सर कालरा जी, बाकी कितना बचा 35,000, ठीक है ना, और ये 35 का 35 सरचार्ज दे दो। मतलब सरचार्ज तो ज्यादा बन रहा है, हम आपको रिलीफ दे रहे हैं कि सरचार्ज 35 का 35 दे दो। तो कितना हो गया 50,000 रुपए हो गया टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज, और उसके बाद 4% तो फिर भी देना है, 2,000 वो भी तो देना पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हैं, ऐसी रिलीफ देते हैं। मतलब रिलीफ कहाँ है, अरे आपने कमाया क्यों, मैं 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख कमाता हूँ कंबोज जी, 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए मेरा सरचार्ज पहले 10% था, अब 15% हो जाएगा, ठीक है ना सर। ये तो मानते हो, सिर तो हिलाओ। अमरजीत जी सुन रहे हैं लेकिन सिर ही नहीं लाते, अमरजीत कंबोज सर सिर तो हिलाइए, या तो फिर वो सिर्फ फोटो नजर आ रही है उनकी, मेरी बात सुन रहे हैं ना। 1 करोड़ थी सरचार्ज आपका, कितना था 10%, 1 करोड़ से ऊपर 1 लाख हो गई, सरचार्ज कितना हो गया 15%। 1 लाख पे पहले टैक्स मांगेंगे 30,000 रुपए, बाकी 70,000 कहेंगे इसको सरचार्ज में दे दो। तो मेरा 1 लाख का 1 लाख चला गया और प्लस 4% साथ में चला गया, कमाया क्या फिर, मेरे को जमाने की जरूरत क्या थी 1 लाख रुपया। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया मैं 1 लाख कमा के कर क्या रहा हूं, सारा का सारा तो ले गए और साथ में 4% और मांग गए। इस तरह यही किया, 7 लाख 10,000 हो गया, 10 तो ले लिया और 4% और ले लिया। क्लियर हुआ, मेरी बात को समझ में आया सर, ये लॉ है। हमने क्या कहा था जरा सुनिए कालरा जी, क्या कहा था, 7 लाख रुपए तक माफ है, अब 7 लाख 10,000 होता है, अब 10,000 पर 30% ले दो टैक्स, 3,000 रुपए ले, हमें बड़ी खुशी होगी 7,000 हमारे पास बचा, आपको 10,000 पे 30 दे रहा हूं, हालांकि 10 देना था, हालांकि कितना देना था 10, मैं 30 देने को तैयार, 7,50,000 है और मेरे पे 30% ले लो 15,000 रुपए, 3,500 मुझे बचा। जब मैं 8,25,000 रुपए पहुंचूंगा, ऋषभ जी ध्यान से सुनना, 8,25,000, 1,25,000 रुपए कितना टैक्स बना 10%, 12,500, एम आई राइट, और 25,000 वाला वो रिबेट बनी चले गई 37,500, ठीक है सर, वो 37,500 और 1,25,000 रुपए 30% कितना बनता है 37,500। तो मेरे को 30% दे देकर कुछ बचा तो सही, और 8,25 के बाद आप रिलीफ मत देना। मेरा पॉइंट समझ गए, ये क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया कालरा जी, ये क्लियर हुआ कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 7 लाख के ऊपर टैक्स ले लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सारा मत लो मेरे से, 30% ले लो, जब तक कि मैं उस लेवल पे ब्रेक इवन पे ना पहुंचूं, 8,25 पे ब्रेक इवन हो जाएगा और मेरा टैक्स ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा था उनको, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने तो कह दिया रिलीफ तो दे रहे हैं लेकिन कितनी रिलीफ देंगे, 7 के ऊपर जो टैक्स बना, उस वो टैक्स जो 7 के ऊपर इनकम आई, दैट इनकम कैनॉट द टैक्स कैनॉट एक्सीड दैट इनकम, द टैक्स कैनॉट एक्सीड दैट, मतलब अगर 10,000 पे आया तो टैक्स 10,000 से ऊपर नहीं होगा, 15,000 आया तो 15 से ऊपर टैक्स नहीं होगा, वैसे तो ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है नहीं, अरे 7,10,000 पे 26,000 रुपए टैक्स बन रहा है, वो कहता आपको 10,000 ही लगाएंगे, 7,20,000 रुपए टैक्स 27,000 बन रहा है, वो कहता आपको 20,000 ही लगाएंगे, मान लिया, लेकिन कमाया तो आपके लिए पूरा का पूरा तो आप ले गए और 4% और मांग रहे हो, 4% भी तो मांगोगे तो मुझे क्या फायदा हुआ 7,20,000 कमाने का, भी बेईमानी करूं ना कि 20,000 कम कर लूं तो 1 पैसा भी टैक्स नहीं दूंगा। पीयूष जी मैं ठीक कह रहा हूं, मैं अगर 20,000 कम दिखा दूं तो मेरे को तो 1 भी टैक्स नहीं लग रहा, और 20,000 ज्यादा आ गया तो आप मेरा टैक्स ले रहे हो 20,800 रुपए, लेकिन वो बिजनेसमैन तो करेगा बेईमानी, सैलरी वाला कहां से करे, बेचारे के पास कोई तरीका ही नहीं एडजस्टमेंट करने का, इसलिए वो बेचारे को 20,800 देना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई, ये सर क्लियर हुई सबको ये पॉइंट, चलो जाते चोर की लंगोटी सही, कुछ तो मिला, नहीं तो वो तो कह रहे थे पूरा ही टैक्स दे दो 10,000 के ऊपर 27,040 तो नहीं देना पड़ेगा 10,400 ही देना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ, ये 87A में चेंज आया है और उसमें क्लॉज 2I डाल दिया और उसने क्लियर कर दिया द टैक्स अबाउट 7 लाख वॉट एवर इज द इनकम अबाउट 7 लाख टैक्स कैनॉट एक्सीड द इनकम एक्सीडिंग 7 लाख।
क्लियर है सर? टैक्स कैन नॉट एक्सीड द इनकम एक्सीडिंग 7 लाख. ये डालकर उन्होंने 87A को अमेंड किया. ये काफी लड़ाई हुई थी तब किया. क्लियर हुआ? मुझे नहीं पता संजय जी ने ये पोस्ट बजट मेमोरेंडम में दिया था कि नहीं दिया था. ये वाला 7 लाख से ऊपर वाला मैंने लिखवाया था. वैसे दिया था गुरु जी, दिया था. वो मैंने ही लिखवाया ये था, सरचार्ज वाला पॉइंट आपने नया निकाल दिया. सरचार्ज हमने उसमें कवर नहीं किया था. सरचार्ज वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा सर. चेलों को पूरा नहीं पढ़ाते हो, पूरा पढ़ाया करो गुरु जी. काला जी सर, वो उसमें भी है. तो करना ही पड़ेगा, दो चार किताबें और लिख दो. वो नहीं हो सकता था सरचार्ज, तो उसमें भी है मार्जिन रिलीफ में. वो जो 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज, वो तो पहले से है. वो तो मानते नहीं, सरचार्ज नहीं कवर किया हमने. नहीं सरचार्ज मानने नहीं थे, वो कह रहे हम नहीं मानेंगे. वो पहले भी नहीं करा. जो जितना करा उतना ही अच्छा है, मैंने वो कहा. ये पहला पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था. आइए अब आगे बढ़े. आपको बताया, अब मैं वो भी लाऊंगा जो पहले कर चुके हैं. और जो नई चीज है, जहां जहां नई चीज होगी मैं नई भी बताऊंगा. एक सेक्शन 918 है जो 5 जुलाई 2019 को चेंज हुआ था. उसके बाद अब ये चेंज हुआ है 1 अप्रैल 2023 से. क्या था हमारे यहाँ रूल है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं अनरिलेटेड पर्सन को मोर देन 50,000, द इंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर. क्लियर है कालरा जी? गिफ्ट मोर देन 50,000 सम ऑफ मनी. लेकिन 2019 से पहले क्या कर रहे थे लोग, गिफ्ट दे रहे थे टू अनरिलेटेड पर्सन टू ए नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दे दी और वो दे दी 2 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की, 50 लाख की, जितनी भी दे. तो नॉन रेजिडेंट कहता था ये टैक्सेबल नहीं है क्योंकि आई हैव नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, सम ऑफ मनी रिसीव्ड नहीं है और इट इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया. तो आप मेरे पर टैक्स कैसे लगा लेंगे? नॉन रेजिडेंट के ऊपर 2 टैक्स लगते हैं, 2 इनकम पे टैक्स लगता है. इनकम्स रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम्स अक्रू और राइज इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया. थर्ड इनकम जो इनकम अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया होती है उस पर टैक्स नॉन रेजिडेंट को नहीं लगता, रेजिडेंट को लगता है. तो उसने कहा 2019 से पहले कि भैया मैंने बाहर रिसीव करी है आउटसाइड इंडिया, तो हाउ कैन यू टैक्स मी, इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया. आनिरा, इट इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, आप मेरे पे कैसे टैक्स लगा सकते हैं? तो यहां तो दिक्कत आ गई. सेक्शन 9 में डीम टू अक्रू और राइज डिफाइन किया हुआ है. सेक्शन 9(1) में भी है डीम टू अक्रू, और उस 9(1) में डीम टू अक्रू में ये नहीं लिखा. तो इन्होंने 5 जुलाई 2019 को ये डाल दिया था, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाई ए नॉन रेजिडेंट एक्सीडिंग 50,000 शेल बी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया. 5 जुलाई 2019 के बाद अगर कोई नॉन रेजिडेंट ये सम ऑफ मनी विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन रिसीव करेगा आउटसाइड इंडिया, रिलेटेड तो वैसे ही माफ है. वही गिफ्ट रिसीव्ड बाय रिलेटिव तो वैसे ही 56(2)(10) में माफ है. अनरिलेटेड पर्सन ने गिफ्ट बाहर रिसीव करी मोर देन 50,000 तो हम उसको डीम टू अक्रू अराइज मानकर आपको इंडिया में टैक्स लगा दें. ये आया था, याद होगा 2019. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तेज है, मैंने कई बार बताया कि उन्होंने कहा सर यार नॉन रेजिडेंट लिखा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं लिखा है. नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को जो थर्ड इनकम टैक्सेबल होती है, जो लिखा है इनकम विच अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया. तो वो वाली होती है, आप इसको डीम टू अक्रू डाला ही नहीं आपने पाए से सेक्शन 918 में, हम कैसे आपको टैक्स कर देंगे. सर 2019 के बाद 2023 में याद आया कि यार ये क्या कर दिया हमने, सेक्शन 918 में तो हमने नॉन रेजिडेंट वर्ड लिखा है, नॉट ऑर्डिनरी तो लिखा ही नहीं. तो अब इन्होंने सेक्शन 918 में अमेंडमेंट कर दी. क्या अमेंडमेंट करी? एनी सम ऑफ मनी exceeding 50,000 received outside India exceeding 50,000 received outside India shall be deemed to accrue or rise in India if it is received on or after 5th July 2019 by a non-resident in India or on or after 1st April 2023
बाई ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब 23 से पहले नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रिसीव करी तो वो टैक्सेबल नहीं है। अब 1/4/2023 के बाद अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को आपने कोई गिफ्ट दी जो आपका रिलेटिव नहीं है तो वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मानकर उसको भी हम टैक्स लगा देंगे। क्लियर हुआ? पहले सिर्फ नॉन रेजिडेंट लिखा था, अब 9(1)(8) में नॉट ऑर्डिनरी डालकर दोनों को कवर कर दिया गया है। अब गिफ्ट आप नॉन रेजिडेंट को दो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को दो, अगर मोर देन 50,000 होगी और वो पर्सन रिलेटिव नहीं होगा तो आप उसको टैक्स लगाएंगे इंडिया में डीम टू अक्रू। और जब इंडिया में डीम टू अक्रू हो जाएगा ना सर कालरा जी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पता लगेगा, जवाब दीजिए, उसको कैसे पता लगेगा इंडिया हो गया, क्या सरकार को कैसे पता लगेगा? एनी आइडिया सरकार को कैसे पता लगेगा कालरा जी, एनी आइडिया कैसे दिखाएंगे? सर इस पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि एनी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, वो कवर हो। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये 918 था, नेक्स्ट कल खत्म हो गया। कितना लाइफ इंश्योरेंस वालों ने और कितना इंश्योरेंस कंपनी ने लाइफ के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया कि ले लो पॉलिसी 5 लाख से ऊपर की ले लीजिए, आपको जब पैसा वापस आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। ये लॉ आया था, ये मैं इसका जिम्मेवार हूं और मैं इसको आज सर पछता रहा हूं कि ये क्या हुआ था। हिस्ट्री दोबारा सुनाऊंगा ताकि आपको पता लगे होता क्या है। जब हम लॉ बना रहे थे तो मैंने इनको एक पॉइंट बताया, गलती कर दी बता दिया मैंने, ऊपर बता रहे थे हमने ये प्लग लूपहोल कर दिया, ये प्लग लूपहोल कर दिया, ये प्लग लूपहोल कर दिया, हमने कमाल कर दिया, किसी को कोई बेईमानी नहीं कर सकता, अब सब पकड़ेगा। मैंने कहा क्या कर दिया, आप सैलरी के चैप्टर में आ जाओ, वहां लिखा है इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। ये 1961 से लिखा हुआ है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड exempt up to 12% of salary. मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हो, आजकल employee की सैलरी कहीं 2 करोड़ है, कहीं 3 करोड़ है, कहीं 4 करोड़ है, ऐसे ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं लूंगा 14 करोड़ सैलरी ले रहे ईयरली सैलरी। मैं कहा वो अपने employer को कहते हैं 12% मेरे सैलरी को कंट्रीब्यूट कर दो, किसमें, एज employer contribution। जब इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% कंट्रीब्यूट हो गया तो टोटली एग्जेम्प्ट है 12%। अगर 3 करोड़ सैलरी है तो 36 लाख रुपया हर साल इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, इंप्लॉयर को तो डिडक्शन मिल जाती है और इंप्लॉय के हाथ में माफ हो गई पूरा का पूरा 36 लाख, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल जो माफ होगा, मिलेगा नहीं वो माफ होगा, और जब वो फाइनली रिटायर होगा तो करोड़ों रुपया मिल जाएगा, एक पैसा टैक्स नहीं लगेगा। Am I right, कालरा जी? यही लॉ था। अब इनको तकलीफ शुरू, ये तो मैं पता ही नहीं था कि बार मैंने कहा 1961 से दिया हुआ 12% सैलरी माफ है, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर को कहता है मेरी सैलरी 12% कम कर दो और मुझे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में डाल दो, मेरा तो पूरा का पूरा माफ है और करोड़ों रुपया उसको टैक्स बच गया। तो इन्होंने फिर डिस्कस किया तो चेंज कर दिया गया, यू कैन कंट्रीब्यू, एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट 12% ऑफ सैलरी और ₹7,50,000 विच एवर इज लेस। 7,50,000 कर दिया टोटल, सिर्फ जहां पर 36 लाख भी था 48 लाख भी था 7,50,000। उसमें भी बड़ी बहस हुई थी मुझे, मैंने कहा 1 करोड़ सैलरी तक का तो माफ कर दो, 1 करोड़ का 12% 12 लाख बनता है, चलो 12 लाख तक माफ कर, नहीं माने। मैंने कहा 9 लाख कर दो, 75 लाख सैलरी पे कर दो 12%, 9 लाख तक माफ हो जाए, नहीं माने। 62,50,000 सैलरी होगी तो 7,50,000 रुपए होता है, 62,50,000 का 12% 7 लाख। अब 7,50,000 जिसकी सैलरी 62,50,000 से ऊपर है सैलरी, उसको तो 7,50,000 ही मिलेगा। जितना भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इंप्लॉयर वो उसका परपोजिट मान लिया जाएगा, सैलरी में जुड़ जाएगा। ये कर दिया था सर, करा था, और इंटरेस्ट का भी कर दिया था कि अगर इंटरेस्ट उससे ऊपर मिलेगा
उस अमाउंट से 7,50,000 से ऊपर गए तो वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाए। ये पहला काम किया। फिर दूसरा काम इन्होंने जब किया 2-3 साल बाद कि देखा कि इंप्लॉई भी अपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बहुत पैसे जमा करा देते हैं। पर्पस क्या था? पर्पस उनका ये नहीं था कि 1.5 लाख की डिडक्शन लेनी। अरे 1.5 लाख तो बहुत कुछ भी अमाउंट नहीं है। वो कह रहे थे हमने कहा 5 लाख रुपए जमा करा, 10 लाख रुपए जमा करा दो, मुझे सैलरी की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलो मेरे प्रोविडेंट फंड में डाल। पर्पस क्या था? 1.5 लाख की नहीं थी। पर्पस था जो वो अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। यही था ना, इंटरेस्ट क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये 5 लाख के ऊपर हर साल जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो इन्होंने लॉ बना दिया कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉई 2,50,000 से ऊपर अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो जब वो पैसा मिलेगा तब टैक्स करेगा। बेड़ा गलत कर दिया वहां भी कि 2.5 लाख से ऊपर आप जमा कराओ तो क्या फायदा है, 2.5 से ऊपर जमा कराओगे तो टैक्स ही देना, तो आज ही FDR बनाओ, जो मर्जी बनाओ, अब उसमें क्या फायदा हो। ये दूसरा किया अश्विनी जी। तीसरा करा था 2021 में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। लोग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भी बहुत पैसे जमा करा दे, करा दो। क्या पर्पस क्या था? कि उसके ऊपर जो बोनस आएगा, जो उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा माफ होगा, तो चलो ज्यादा जमा करा दो। इन्होंने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में भी कह दिया कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद लोगे अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर हुआ इन एनी प्रीवियस ईयर तो हम उसका पैसा पूरा टैक्स कर देंगे जब पैसे आए। ये 10-10D में प्रोविजो डाले हुए। अब इनको एक और नजर आ गया, लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अरे हमारा पर्पस सिर्फ वो थोड़ी है कि लाइफ का, कि चलो हम जमा करा देते हैं और पैसा 10-15 साल में जब ले लूंगा तो उस केस में पूरा का पूरा जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्स होगा। तो इन्होंने अब कह दिया कोई भी पॉलिसी 1/4/2023 के बाद लोगे, अगर एक लोगे और प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हुआ तो जब पैसा आएगा तो पूरा का पूरा जो बोनस कमीशन मिला, जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस द पॉलिसी अमाउंट पेड, वो पूरा का पूरा हम टैक्स लगा देंगे। और कौन से सेक्शन में लगाएंगे? 56(2)(13) में अदर सोर्सेज में पूरे के पूरे पे टैक्स लग जाएगा। ये इन्होंने 5 लाख, अगर आपने पहली पॉलिसी 2 लाख की ले ली 1/4/2023 और एक और पॉलिसी ले ली, वो कहते हैं एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर अगर हो गया तो वो वाली पॉलिसी जिसकी वजह से 2.5 लाख से ऊपर हुआ, 5 लाख से ऊपर हो गया वो नहीं देगी। मतलब आपने पहली पॉलिसी 2 लाख ले ली, एक और ले ली 2.5 लाख की, कोई चिंता नहीं है, एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ऊपर नहीं हुआ एनी प्रीवियस ईयर 4.5। अब एक और पॉलिसी ले ली 1 लाख की और, कहते इसकी वजह से प्रीमियम बढ़ गया ना तो इस पॉलिसी का 1 लाख वाले को हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, उसका जो पैसा आएगा टैक्स करेंगे। अगर 50,000 की ले लेते 2+2.5+50 तो 5 लाख से ऊपर कभी नहीं होगा ना, तो हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर पहली पॉलिसी 2 के लिए, दूसरी 2.50 के लिए, तीसरी 1 लाख के लिए, 4.5 लाख वाली जो 2 है उसका तो जो पैसा आएगा वो पूरा माफ होगा, जो बाकी एक जो ली आपने मोर देन 5 हो गया वो वाली पॉलिसी का प्रीमियम वो पैसे जब आएंगे टैक्स लगेंगे। ये क्लियर हुआ सर? मैं बहुत एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ क्योंकि मोर देन 1 पॉलिसी है तो इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। मैंने 1 अप्रैल क्यों कहा? यूनिट टाइम में 1 फरवरी कर दिया, यूनिट के टाइम में 1 फरवरी कर दिया था, पर अब इन्होंने पहली अप्रैल किया ताकि जो लेना चाहता है 31 मार्च तक ले लो और प्रीमियम पे कर दो, उसको हम गिनेंगे ही नहीं उस 5 लाख। एनी पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2023 उसको ये 5 लाख की लिमिट में नहीं लाना। जो पॉलिसी ऑलरेडी इशू हो चुकी है 1/4/2023 से पहले उसमें 5 लाख की लिमिट में नहीं लाना। इसलिए इन्होंने आप देखेंगे कई पॉलिसियां बिकी हैं, करोड़ों रुपए के प्रीमियम गए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2023 वाले। अब आज के बाद प्लीज नोट 5 लाख से ऊपर प्रीमियम नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज फॉर 1 पॉलिसी और मोर देन 1 पॉलिसी। ये क्लियर हो गया सर? ये क्लियर हो गया? अगर किसी को नहीं होगा तो क्वेश्चन अश्विनी जी ने कहा बाद में पूछेंगे तो बाद में पूछ लेना, लेकिन ये मैंने आपको 10-10D 10-10D में प्रोविजो 6-7। हाँ,
मरने के बाद कोई पैसा मिलेगा तो वो फिर पूरा माफ है, चाहे कितनी भी पॉलिसी का मन। इफ यू रिसीव द लीगल हेयर रिसीव द मनी आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, उस केस में प्रीमियम की अमाउंट का कोई मतलब, एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वहां 5 लाख की लिमिट नहीं है। लेकिन वो मरने के बाद, मरने से पहले अगर प्रीमियम पैसा वापस मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा उस रिसीपिएंट के हाथ में जो इंश्योर्ड। क्लियर सर? क्लियर। मैं आगे बढ़ा, ये 10-10D था। अग्निवीर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये जो अग्निवीर वाले हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयर प्रोविडेंट, एम्प्लॉयर भी करेगा और वो भी करेंगे किसके लिए, अग्निवीर कॉर्पस ट्रस्ट, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं, अग्निवीर कॉर्पस ट्रस्ट को करेंगे। जितना एम्प्लॉयर करेगा वो पहले आपकी अग्निवीर की सैलरी में जुड़ जाएगा, जितना एम्प्लॉय करेगा ATCCH में डिडक्शन मिल जाएगी। और जो एम्प्लॉयर की सैलरी में जुड़ गया है, जो अग्निवीर की सैलरी में जुड़ा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो ATCCH में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो तीन सेक्शन डाले, 10 क्लॉज 12C सेक्शन 17 ATCCH। सेक्शन 17 में डाला कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कॉर्पस फंड में, उसके पैसा वो पूरा का पूरा सैलरी में जुड़ जाएगा। ATCCH में डाला जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो ATCCH में डिडक्शन मिलेगी, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसकी भी डिडक्शन ATCCH में मिलेगी। और ये आप न्यू रिजीम में हैं तो भी ATCCH मिलेगा। न्यू रिजीम में आपको पता है ATC to ATU नहीं मिलता चैप्टर 6 से, लेकिन न्यू रिजीम में तीन चीजें मिलेंगी। एक ATCCD2 दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एक ये वाला ATCCH दैट इज अग्निवीर का जो पैसा डिडक्शन मिल रहा है, और ATJJA दैट इज जो वो 30% जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो वाला। ये तीनों डिडक्शन इवन न्यू रिजीम वालों को मिलती है, न्यू रिजीम को भी मिलती है, अदरवाइज चैप्टर 6 है कि कोई डिडक्शन न्यू रिजीम को नहीं मिलती, ये तीन मिलती है। और 10-12C में डाला जब अग्निवीर को पैसा वापस मिलेगा, 4 साल ही तो काम करना है, या भगवान ना करे डेथ हो जाए, लीगल एयर को मिलेगा, वो 10 क्लॉज 12C में पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर है। आगे बढ़, जो सामने बैठे वो इससे रिला दे, मुझे उससे शांति हो जाती। अब देखिए क्या है, श्रीवास्तव जी हंस रहे हैं, हंस नहीं रहे, मुझे तभी पता लगता है जब देखिए, जब फिजिकल होता है ना तो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अब आंखें तो सिर्फ 6 आदमियों की डाल रहे हैं, बाकियों की आंखें मेरे सामने है नहीं, तो इसलिए उन्हीं के बारे में देखता रहूंगा, तो सोचता रहूंगा समझ में आ गया कि नहीं आया। अश्विनी जी 25-30 आगे और दौड़ो आप। आगे तो दौड़ी है, लेकिन कोई ऑन करे ना वीडियो, रिक्वेस्ट है जो पैनलिस्ट में है वो अपना वीडियो ऑन करे जी। हाँ जी, अब एक जोड़ दी सोनी जी ने जोड़ दी, बोले जो मुझे मजा आता है सामने कोई बैठा हो तो। अब ये भी आ गई है दीपाली गुप्ता ही है ना। हाँ, सामने आने से मुझे पता लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग। अब आगे सुनो सर, आप आइए तो सुना रहा हूं। सिक्किम में टैक्स नहीं है, एनी इनकम विच यू अर्न इन सिक्किम उस पर टैक्स नहीं है। और एक सिक्किमीज जो है, जो खुद सिक्किमीज है, वो जो इनकम अर्न कर रहा है सिक्किम में पूरा टैक्स नहीं है, और इंटरेस्ट का डिविडेंड जो अदर एनीवेयर इन इंडिया कर रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये सेक्शन 1026AAA में था, ये लॉ है हमारा ऑलरेडी, ये लॉ हमारी कंट्री में ऑलरेडी है। अगर आप सिक्किमीज हैं, जो सिक्किम वाला है, सिक्किम का सिटीजन है, वहां का है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता जो इनकम वो सिक्किम में कमाता है, और उसको टैक्स नहीं लगता जो इंटरेस्ट डिविडेंड इंडिया में अदर प्लेसेस में कमा रहा है, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता सेक्शन 1026AA। उसमें लिखा था कि अगर वो सिक्किमीज वुमेन है, अगर वो शादी करा लेती है नॉन सिक्किमीज में, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो चली गई वहां से सिक्किम से। तो ये जजमेंट आई अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लेडी तो वहां पे पैदा हुई, वहां की तो थी, अब वो उसने शादी करा ली, तो आप कह रहे हो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉ बदला है, अब नया सेक्शन 1026AA में, AAA में, वो वाला शादी कराने वाला पॉइंट हटा दिया, अब वो कहीं भी शादी करा ले वो नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि वो जो सिक्किम का वो सब्जेक्ट का रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर और सिक्किम सब्जेक्ट, उसमें वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो 75 से 75 में लिखा हुआ है,
या फिर गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाला था 91 में कि वो सिक्किमीज माना जाएगा, उसमें होना चाहिए, या उसका फादर या उसका हस्बैंड या उसका पैटर्नल ग्रैंडफादर या उसका रियल ब्रदर सिक्किम का हो, उसका रजिस्टर में नाम हो, तो वो भी सिक्किम का माना जाएगा। तो ये 1026AAA सिर्फ सिक्किमीज के लिए है और किसी के लिए नहीं है। फायदा उसी को दे दिया कि सिक्किम की से की शादी आप करा सकते हैं जो एलिजिबल है, तो उस केस में उस बेचारी की इनकम अभी भी माफ रहेगी जो सिक्किम में उसने कमाई या जो इंटरेस्ट का डिविडेंड उसने कमाया। ये लॉ आया है 1026 से, ये नोटिस ऑफ अमेंडमेंट जो आया है उसमें ये डाला गया। पहले उनको पता ही नहीं था कि ये जजमेंट आई है, तो जजमेंट की वजह से तो ये फेवर उन्होंने दे दिया। क्लियर हो गया सर? क्लियर है? ट्रस्ट के बारे में 1023C में बाद में बात करता हूं। एक बहुत अच्छी चीज मैंने बताई थी और वो चीज अभी भी है, और वो था जजमेंट जो आई थी अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिमिटेड की। प्रॉब्लम क्या आया, दो जजमेंट आई है चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, और वो जजमेंट दोनों रविंदर भट्ट जी ने दी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। होता क्या था कि इनको सेक्शन एग्जेम्पशन दे रखी है चैरिटी में, लेकिन रविंदर भट्ट जी ने कहा रुकिए, देखिए सेक्शन 1023C में अगर तो अलग बात है, वो अलग बात करूंगा, ये 11-12 में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है चैरिटेबल ट्रस्ट की चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन है सेक्शन 2:15, उसमें लिखा है चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स नंबर 1 रिलीफ टू द पुअर, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 योगा, नंबर 4 मेडिकल रिलीफ, नंबर 5 एडवांसमेंट नंबर 5 प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वॉटरशेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, नंबर 6 प्रिजर्वेशन ऑफ एनी मॉन्यूमेंट और अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, एंड लास्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये चैरिटेबल पर्पस में 7 तरह के लोग काम कर सकते हैं। 1 रिलीफ टू द पुअर, ये चैरिटी है रिलीफ टू द पुअर। दूसरा एजुकेशन चैरिटी माना जाता है। तीसरा योगा चैरिटेबल पर्पस माना जाता है। चौथा मेडिकल रिलीफ, ये भी चैरिटेबल पर्पस माना जाता है। पांचवा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वॉटरशेड वॉटर लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, लास्ट था एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब ये सारे एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में रजिस्टर कराते थे, तो नीचे 2 प्रोविजो डाल दिए, प्रोवाइडेड दैट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी विल नॉट बी कॉल्ड ए चैरिटेबल पर्पस इफ इट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी ऑफ कैरिंग ऑन एनी ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस or rendering services to any trade, commerce or business, whether for any consideration or any fee or etc. ये डाला हुआ था proviso 1, फिर proviso 2 डाला था, provided further that the above proviso shall not be applicable if the receipt from this commercial activity does not exceed 20% of the total receipt of the charitable activity. कि अगर आपका आप advancement of general public utility है और आपकी टोटल रिसीट 5 करोड़ है, तो 20% 1 करोड़ तक कमर्शियल एक्टिविटी की रिसीट हो सकती है। 1 करोड़ से ऊपर होगी तो आपका सारा टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आप फिर हम कवर नहीं करेंगे, आप तो बिजनेस कर। मेरे बात दोबारा सुन लीजिए, क्या कहा गया, अगर आपके रजिस्ट्रेशन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में है, तो फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो टोटल रिसीट का 20% तक तो कमर्शियल हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपकी सारे साल में टोटल रिसीट 5 करोड़ है, तो 20% तो आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं 1 करोड़ रिसीट। 1 करोड़ से ज्यादा होते ही आपकी पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, आपका एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये स्कूल कॉलेज वालों के लिए नहीं है, मेडिकल रिलीफ के लिए नहीं है, रिलीफ टू द पुअर के लिए नहीं है, ये सिर्फ एडवांसमेंट के लिए लिखा था। अब अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आती है। हमारे आपके पंजाब में भी होगी पुडा, हरियाणा में भी होगी हुडा, दिल्ली में भी है DDA, हर जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनका काम क्या है, लैंड वगैरह इकट्ठी करके एग्रीगेट करके लैंड बेचते हैं, ये तो काम ही प्रॉफिट कमाते हैं, इनका तो मार्कअप बहुत ज्यादा है। तो उसने रविंदर भट्ट जी ने कह दिया ये एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, ये तो सिर्फ ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर, ज्यादा मार्कअप कर ले,
रीजनेबल अमाउंट, उससे ज्यादा करेंगे तो अब इनकी इनकम को टैक्स कर देंगे, क्योंकि ये तो सारे कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, इनका तो 20% की तो बात ही नहीं है, ये तो पूरी कमर्शियल है। तो इनको या तो बिल्कुल जितनी कॉस्ट आती है उसमें रीजनेबल मार्कअप कर ले तो हम इनको कमर्शियल नहीं कहेंगे, नहीं तो ये कमर्शियल है। शोर मच गया। अब एक 1046 सेक्शन भी है, 10 क्लॉज 46, उसमें कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी की इनकम को माफ किया हुआ है, लेकिन वो जो माफ किया हुआ है ना तो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो तब करते हैं, और उसमें लिखा हुआ है तभी नोटिफाई करेंगे जब आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना करते। जैसे पीछे जब वो हुआ था कुंभ मेला इलाहाबाद में, तो अब इलाहाबाद कुंभ मेला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी और वो पर्पस था कि वहां पर जो भी इनकम आएगी टोटल माफ होगी। ऐसी कई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई लेकिन वहां लिखा हुआ था कि दे कैन नॉट डू कमर्शियल एक्टिविटी, पर ये तो कमर्शियल एक्टिविटी, ये कैसे बचाते हैं? फिर सीबीडीटी ने अब एक नया सेक्शन डाला, क्लॉज 46A, सेक्शन 10 क्लॉज 46A। क्या डाला? एनी इनकम, प्लीज नोट द वर्ड एनी इनकम, अराइजिंग टू एनी बॉडी, एनी ट्रस्ट, एनी अथॉरिटी, एनी अंडरटेकिंग विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस, पर्पस बताऊंगा, शैल बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड दैट बॉडी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको कहा कि 1046A में आप एप्लीकेशन दे दो, हम देखेंगे अगर आप डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो एस्टेब्लिश किसने करी अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, आप अप्लाई कर दो, हम नोटिफिकेशन दे देंगे तो हम आपकी इनकम को टोटल माफ कर देंगे। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस था डेवलपिंग प्लानिंग एंड डेवलपिंग द नीड फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन, वो वाली अथॉरिटी जो हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए काम कर रही है उन अथॉरिटी को माफ कर देंगे, या वो अथॉरिटी जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सिटी डिजीज के लिए रेगुलेट कर रही है उनको कर देंगे, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर देंगे। तो ये वाली अथॉरिटीज जो है इनको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूं? आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, अब इनको दोबारा अप्लाई करना है, 1 अप्रैल अभी आ जाएगा फॉर्म कि भैया हमें 1046A में नोटिफाई कर दो और हम इनकी इनकम को माफ कर देंगे। तो इनकी इनकम माफ हो जाएगी, प्रोवाइडेड दे आर फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन, दे आर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी और टाउन और विलेज, दे आर फॉर डेवलपिंग और रेगुलेटिंग एनी एक्टिविटी विच इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो वाली करेंगे तो हम इनकी इनकम को माफ कर देंगे। सो 1046A में जाएंगे, अब ये 11, 12, 13 से बाहर। क्लियर हो गया। ऐसे ही एक और क्लॉज डाली नई, वो क्रेडिट गारंटी फंड है ऑफ इंडिया और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, ये भी इनकी इनकम को सीधा माफ कर दिया। एक नया सेक्शन डाला, सेक्शन 10 क्लॉज 46B, और क्लियर कर दिया, आपको तो नोटिफाई नहीं कराना, आपकी तो इनकम को माफ कर देंगे। आपके मतलब का नहीं है क्योंकि आ गया था तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो वाला आपके मतलब का है क्योंकि हुडा डुडा कई अथॉरिटीज हैं जो ये काम करती हैं, ये पहले 11, 12 में थी, अब ये 11, 12 से हट गई हैं, इनको 1046A में जाना पड़ेगा। आइए पहले चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बात करूं कि पहले और बातें करूं, ये बताइए। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का थोड़ा आराम से कर लेंगे, अगर पहले बातें करके फिर चैरिटेबल ट्रस्ट में कर लें, लेकिन ये ना होना चैरिटेबल ट्रस्ट ही रह जाए, कई बार चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अलग से करा देंगे अगर हुआ तो। नहीं, लास्ट में कर लेना सर, चैरिटेबल याद करा देना आप, नहीं तो लोग सोचते हैं मेरे को आता नहीं इसलिए भाग गए। लिख लो भैया, कि मैं आपको बता दूंगा। नहीं, लास्ट में करवा देना सर, लास्ट में। ओके सर, गुरुजी आपने लोगों का, चाहे 8 बज जाए जाने नहीं देंगे। गुरुजी लोगों का नाम लिया आपने, कौन सा ऐसा आदमी मुझे बताओ तो सही जिसने एक आपको नहीं आता है। सर ऐसा है, एक बात बताऊं, अंदर जो आवाज आती है ना वो यही आती है कि लोग सोच ना रहे, इसलिए कह रहा और कुछ नहीं कह रहा। आप क्योंकि हुआ है, मिस हो गया मेरे से, तो सर वो आप भूल गए। मैं कहा भूल तो गया, अगली बार याद रखूंगा क्या है, इसलिए कह रहा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना ड्राई है, उस ड्राई को थोड़ा बाद में करूंगा, पहले जरा ये वाले कर। आगे सर,
अभी 28.4 में लिखा था, पिछले साल 194 आर आया। सबसे ज्यादा खतरनाक श्रीवास्तव जी, अगर कोई लॉ आया ना तो 194 आर आया है। वो आया है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्पस रिसीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द एसएससी। ये 28 क्लॉज आईवी में ऑलरेडी है कि अगर आप जब बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई आपको बेनिफिट और परपोजिट दिया जाए तो वो टैक्सेबल होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई केस जीत दिया तो उसने गाड़ी फ्री में दे दी मेरे को, सपोज करो मैंने उसका केस जीत दिया तो बेनिफिट और परपोजिट तो है। या कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि भैया 5 करोड़ का टर्नओवर करेगा तो फ्रिज फ्री दूंगा, 10 करोड़ का करेगा तो आपको एसी फ्री दूंगा, अगर आप 15-40 करोड़ का बिजनेस करूंगा तो आपको मैं कार फ्री दूंगा। ऐसे करते हैं, ऐसे होता है। टारगेट के ऊपर आपको बेनिफिट और परपोजिट दिया जाता है और आप 3CD में ये दिखना पड़ता है कि वैल्यू उसकी क्या, वो टैक्सेबल है, लेकिन वो बताते ही नहीं थे कि वो बेनिफिट परपोजिट हमें मिला। किसी को एसी फ्री मिल गया, किसी को कोई बेनिफिट मिल गया, मरवाया तो डॉक्टरों ने। ये डॉक्टरों ने शुरू किया था कि डॉक्टरों को कोई लैपटॉप फ्री दे देता है, कोई कोई चीज फ्री देता है, कोई कहता है सिंगापुर घुमाने ले जाएंगे, कोई कहता वहां घुमाने ले जाएंगे, और कोई खर्चा उसकी वाइफ को भी ले जाते हैं। और वो डॉक्टरों को कह रहा है, आपको पता है डोलो का केस तो आपको पता ही है, डोलो में 1,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट डॉक्टरों को दिया गया कि डोलो प्रिस्क्राइब कर। ये बेनिफिट और परपोजिट है। और आपको तो पता है, मैं कोई बोलूंगा नहीं कि कोई भी चीज आप टेस्ट करा लो डॉक्टरों को अपनी वो मिल जाती है। समझ में आ गया? वो बैन कर दिया गया 37 में कि आप ये नहीं, लेकिन बेनिफिट और वैसे इनकम टैक्स में बैन कर दिया था इसकी वजह से। अब ये जो बेनिफिट परपुट दिए जाए, प्रॉब्लम क्या है, ये इनकम है लेकिन वो दिखाते नहीं थे, इसलिए सेक्शन 194 आर डालकर टीडीएस कह दिया, कर दो, काटना पड़ेगा। अगर आप 20,000 से ज्यादा कोई बेनिफिट और परपुट ड्यूरिंग द ईयर देंगे बाई द एंड वो जो रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस या इट इज अराइजिंग फ्रॉम प्रोफेशन, तो उसको इसके ऊपर टैक्स देना है। इसलिए आप टीडीएस काट दो, पर्सन रिस्पॉन्स फॉर गिविंग दिस बेनिफिट और परपोजिट, और 10% टीडीएस काट। ये आ चुका है ना, सबको पता है, लास्ट ईयर आ गया था। और सबसे ज्यादा उसके ऊपर 2% बैड डेट्स का इशू है बैंकों में, बैड डेट्स फाइनेंस कंपनियों में, उसके ऊपर 194 आर लगे। आइए, उसमें उन्होंने वेवर का कहा, वेवर में एक उन्होंने सर्कुलर दिया बाद में, उसमें कह दिया कि ये वाले इंस्टीट्यूशन अगर वेवर करेंगे तो हम नॉर्मल प्रोविजन लगाएंगे, बाकी करेंगे तो टैक्स लगेगा, बाकी करेंगे तो टैक्स। आपने लोन लिया है, वो लोन वेवर हो जाता है, तो लोन वेवर हो गया तो वो बेनिफिट तो मिल गया आपको। वो कहता है नहीं, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमने लिस्ट दी है और वो वाले वेवर करेंगे तो वो आपका नॉर्मल प्रोविजन होगा। नॉर्मल प्रोविजन में क्या है, अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो वो इनकम मान ली जाती है 41(1) में, अगर टर्म लोन है तो वो इनकम नहीं मानी जाती 41(1) में। तो वो वहां पर तो उन्होंने ये कह दिया, बाकी को कहा कि भैया ये तो बेनिफिट है, ये परपोजिट है, गिवन हो। उन्होंने बैक डेट के बारे में भी कुछ नहीं बोला, आते टीडीएस। अब प्रॉब्लम आई कि जब उन्होंने 194 आर डाला तो वहां लिख दिया वैल्यू ऑफ बेनिफिट परपोजिट वेदर इन काइंड और इन कैश और पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश, 194 आर में डाल दिया। लेकिन 28.4 में तो क्लियर कट लिखा है कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परपोजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की जजमेंट थी कि देखिए ये काइंड वाले आते हैं जो कैश में आएंगे वो बेनिफिट यहाँ नहीं आएंगे, जैसे वो लोन वो बेनिफिट वाले वो नहीं आएंगे, काइंड वाले लिखे हैं, कैश तो लिखा ही नहीं। इनको डर लगा कि क्या होगा। एक मिनट जरा, सुनो मैंने क्या कहा, सॉरी कि अब इन्होंने कहा महिंद्रा एंड महिंद्रा की जजमेंट में था कि जो काइंड वाले ही हैं, कैश वाले तो इसमें आते ही नहीं और पार्टी कैश वाले भी नहीं आएंगे। अब इन्होंने इनको लगा कि डर पड़ गया, 194 में तो हमने पावर ले ली,
लेकिन 28.4 में तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट परपोजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट लिखा है, वो लिखा ही नहीं है पार्टी इन काइंड और पार्टी इन कैश। तो अब क्या किया है इन्होंने, 28IV चेंज कर दिया है, 28YV को लिखा है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परपोजिट अराइजिंग ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। पहला लिखा ए वैल्यू ऑफ वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, और बी में लिख दिया वेदर पे रिसीव्ड इन कैश और काइंड और पार्टी इन कैश और पार्टी इन काइंड शैल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28(4). तो इसका मतलब अब जो कैश के भी होंगे वो भी टैक्स लग गया, बेनिफिट दिया गया वो भी टैक्स लग गया 28(4) में, जो पहले नहीं था। चाहे पार्टली कैश और पार्टली काइंड होगा वो 28(4) में था। 194R में तो ऑलरेडी दिया हुआ था, अब यही चीज एक्सप्लेनेशन 194R में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 डालकर दोनों क्लियर कर दिए कि भाई अब 28(4) में कैश वाला भी आ गया है और दोनों लगेंगे। लेकिन मुझे किसी ने पूछा महिंद्रा मंदरा की वजह से तो सारे बैंक के वेवर खत्म हो जाएंगे, किसी ने पूछा, और ENY वालों ने कहा ये तो हो गया वो हो गया। मैं कहा इंतजार कर भैया, वो वाला सर्कुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, उस सर्कुलर में क्लियर किया हुआ है कि अगर वो बेनिफिट और दिए गए और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वेवर किया है तो उसके नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, महिंद्रा महिंद्रा जाने के बाद भी वो लॉ अभी होल्ड करता है, लोन का बाकी का नहीं करता। अब बैटर्स नहीं कवर ना सर उसमें वेवर में, ना गया अब तो सब कवर हो गए। नहीं मैं कहा वेवर में बैटर्स थोड़ी आते हैं, बैटर्स का क्या वेवर करो तब ना, बायलेटरल है तो करो वेवर करो, बायलेटरल नहीं तो वेवर कैसे हो गया। आप बैड डेट क्लेम कर रहे हो वो तो भी देना है। वेवर का मतलब जब आप अरेंजमेंट कर लेते हो, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग होती है बैंकों में वेवर कर देते हैं ना, तो वो जो वेवर है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि देखिए जब रिस्ट्रक्चरिंग बैंकों में होती है जो इंटरेस्ट वेव होता है वो तो वैसे इनकम नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है श्रीवास्तव जी, जो इंटरेस्ट वेव होता है इनकम क्यों नहीं है, वो हमें डिडक्शन कभी मिली नहीं 43B की वजह से। जब 43B में डिडक्शन मिली नहीं तो हमारी इनकम कहां से हो जाएगी। लेकिन लोन जो वेव होता है वो दो तरह का है, अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो उसको तो 41(1) में वो ले रहे हैं, जजमेंट्स हैं, लेकिन जो टर्म लोन है उसको 41(1) में नहीं ले रहे। तो अब ये वो वाला लॉ अभी भी लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इवन आफ्टर दिस अमेंडमेंट वो वाला लॉ लगेगा कि अगर टर्म लोन है तो टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, क्लियर है, आइए तो आगे चले। चलिए आगे, ये 28(4) था, आगे बढ़ते हैं सर 43B। हमने बड़ी कोशिश की कि कुछ तो चेंज कर दें लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया है, वही है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का पेमेंट है। इफ यू आर बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, लॉ ऑलरेडी है, ये कहां पे लिखा हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटर डेवलपमेंट एक्ट 2006, वहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स पे नहीं है, वहां लिखा हुआ है द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देनी है। हाउएवर इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट द पेमेंट शुड बी मेड विद इन मैक्सिमम 45 डेज, 45 दिन के बाद तो आप एग्रीमेंट में नहीं कर सकते, 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से माल खरीद रहे हैं, ये लॉ है। एक मिनट सर, विनय जी का आया कि वॉइस इश्यू है, और किसी पार्टिसिपेंट को है तो काइंडली चैट बॉक्स में लिखे। सर इधर तो ठीक है, ओके जी सर प्लीज। मैंने क्या कहा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट में लिखा है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से अगर कोई भी मॉल और सर्विस खरीदेंगे यू हैव टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज, बट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट में हमने क्रेडिट ले लिया और एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज। आप ये कह सकते हैं कि हमने एग्रीमेंट 90 दिन का कर लिया, जी नहीं, 45 दिन से ऊपर वाला तो एग्रीमेंट ही नहीं माना, इनको पेमेंट कर दिया। तो उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर ये पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के बाद करेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना, 3 times of the bank interest, वहां लिखा हुआ है 3 times of the bank interest, interest देना पड़ेगा। और साथ में लिखा हुआ है कि ये वाला interest section 36 में allowed नहीं होगा income tax में,
वहां नहीं लिखा हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एक्ट में लिखा है कि वो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। ये ऑलरेडी है सर लॉ, ये एक्ट में अगर आप अपना 36 सेक्शन ढूंढने लग जाए तो कहीं नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। वो तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। अब इन्होंने एक और मुसीबत डाल दी 43P, दैट इफ देयर इज एनी सम पेबल बाई ए पर्सन टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल है मीडियम नहीं, टू ए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज इफ इट इज पेबल बियॉन्ड द ड्यू डेट prescribed under section 15A of the micro small and medium enterprise act, the us case mein wo that expense shall be allowed a deduction only in the previous year in which the payment is made. ye 43b dala tha, humne inko kaha tha sir ye bahut harsh ho jayega, isko due date tak kar do, ye ek din bhi delay ho gaya to musibat pad jayegi. suppose kijiye main example deta hu do teen clear karne ke. आपने फरवरी में माल खरीदा 15 फरवरी, तो 10 फरवरी गिन लो 45 दिन कब खत्म होंगे, 18 प्लस और 27 गिन लो मार्च तक। अगर आपने पेमेंट कर दी तो हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन 31 मार्च को पैसे ड्यू हैं, तो क्यों ड्यू हैं? अगर फरवरी 10 को माल खरीदा क्यों ड्यू है? 45 दिन तो निकल गए, क्यों खरीद? लेकिन आपने माल खरीदा 16 मार्च, अभी 45 दिन हुए नहीं, 45 दिन अगर एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन ही होने, आप समझ ले 20 मार्च को माल खरीदा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं फिर तो 31 मार्च को ड्यू है, 31 मार्च को ड्यू नहीं था, अभी 15 दिन 20 दिन का डील लीजिए, 20 और 15 35, 4 अप्रैल को ड्यू है, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं और 20 अप्रैल को माल खरीदा या सर्विस रेंडर पड़ी तो 4 अप्रैल को ड्यू है, 15 दिन में 4 अप्रैल तक पेमेंट कर दो, आपको ड्यू बेसिस पे मिल जाएगा, अक्रूअल बेसिस पे मिल जाएगा, लेकिन 4 अप्रैल के बाद करेंगे तो अगले साल मिलेगा, अगले साल, इस साल नहीं मिलेगा, जब पेमेंट करी उस साल डिडक्शन। आपको 31 मार्च को जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैठे हुए हैं ऑडिट करते हैं, 31 मार्च को एक लिस्ट लेनी पड़ेगी, किससे? अपने क्लाइंट से, कि यह बताओ कितना पैसा ड्यू है 31 मार्च को क्रेडिटर्स में, किसका? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का। वो आपको डिटेल देगा, फिर आप देखेंगे क्या उसका 15 दिन और 45 दिन निकल गए हैं कि नहीं निकले। सपोज उसने 28 मार्च को माल दिया है, 45 दिन तो निकलेंगे, 28 में 45 दिन जुड़े, तो अगर वो 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो आप इसको उसी साल अलाउ कर देंगे, लेकिन 45 दिन के बाद करता है तो फिर आप अलाउ अगले साल करेंगे जिस साल पेमेंट करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी दी थी इनको सर, मैंने 1.5 करोड़ रुपए का माल खरीदा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज, मैंने एग्जाम्पल दी थी 1.5 करोड़ का माल खरीद लिया लेकिन पेमेंट डिले हो गई अगले साल, अब मतलब 45 दिन निकल गए, अब मेरा पैसा ड्यू है तो इस साल क्या करना पड़ेगा? 1.5 करोड़ रुपया मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा। मैं हर साल इनकम 30 लाख दिखा रहा हूं, तो 30 लाख इनकम में 1.5 करोड़ जब एड किया तो मेरी इनकम 1.80 करोड़ हो गया। सर अश्विनी जी मैं ठीक कह रहा हूं? मेरी इनकम 30 लाख थी, क्योंकि ये 1.5 करोड़ की पेमेंट नहीं करी तो 1.80 करोड़ के मुझे टैक्स देना पड़ेगा। दे दिया टैक्स, कहां से लाऊंगा 1.5 करोड़ पे टैक्स? मेरे को तो टैक्स देना पड़ेगा, मैं तो 30 लाख इनकम दिखाता हूं और इतना टैक्स पड़ गया 1.5 करोड़ पे। अब अगले साल मैंने पेमेंट कर दी तो अगले साल मेरा प्रॉफिट 30 लाख आने वाला है, 1.5 करोड़ रुपया खर्चा मांगूंगा तो लॉस हो गया 1,20,000 रुपया, 1.20 करोड़ का लॉस हो गया। अब वो 1.20 करोड़ के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो, और मेरे पास पैसे देने के लिए कहाँ हैं? अरे भैया मेरे को माफ तो कर दो, आप ड्यू डेट तक तो कर दो। ना 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 45, तो याद रखना अगर आपने पेमेंट डिले करी तो इस साल डिसअलाउना है जो पैसा ड्यू था, और उस साल मिलेगा जिस साल आप पेमेंट करेंगे, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा अंडर 43B, और जब पेमेंट करोगे 10 साल। ये क्लियर हुआ सर अश्विनी जी? 43B में मुश्किल पड़ेगी, बी केयरफुल, क्योंकि अरे माइक्रो 5 करोड़ तक टर्नओवर है माइक्रो का, और स्मॉल का 50 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ तो बहुत ऐसे हैं जिनके सेल, और 50 करोड़ वाले से माल काफी खरीद लेते हैं, पहले तो छोटी होती थी, अब तो 5 करोड़ और 50 करोड़ है लिमिट उनका टर्नओवर की, तो बताइए
इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फायदा होगा बिल देगा तो, लेकिन वो तो आते ही छोड़ो ना मेरे जो, अब ये लॉ बन गया 43B जो मैंने आपको बताया, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ये मैंने आपको बता दिया। अब आया कालरा जी, इसमें इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है क्या सर? कुछ बोला इसमें इंडस्ट्री की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? दिनेश बोलो सर, इंडस्ट्री की मेरी तो थी। और आप आधार संजय जी से पूछ लेते हैं, वाइस ओसीए डायरेक्टर चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने तो दी होगी, डेफिनेटली दी थी, दी थी सर, दी थी, बहुत कुछ किया ये आप देखिए, इंस्टीट्यूट दे रहा है, मैं अकेला तो मैं तो बोलते ही रह गया, अकेले को भी नहीं माना उन्होंने, इंस्टीट्यूट की बात भी नहीं माना, नहीं दी ये बेनिफिट नहीं दिया, और ये दिक्कत होगी जो मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने एक और चीज करी, वो अभी लॉ नहीं चेंज किया, इसमें जो कंपनीज के केसेस में ये देखते थे कि एमएसएमई वाले ने लिख के दिया हुआ है मैं एमएसएमई रजिस्टर्ड हूं तो ही हमने लेना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन हो तो है, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि हम उसके चिट्ठी लिखते हैं कि प्लीज आर यू कवर्ड अंडर एमएसएमई, इफ यू आर कवर्ड काइंडली प्रोवाइड अस द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ऑडिटर, वी आर टू सी एज ऑडिटर, तो फिर आपके पास नहीं है तो उससे पूछो ना, अगर बस आया हुआ है तो बता, नहीं आया तो बता, कल वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो लिख के देगा तो आप फंस गए, आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। सर, ना भी लिख के दो, असेसमेंट के दौरान भी एओ किसी से मंगवा सकता है। नहीं सर, 3CD में कैसे छोड़ देंगे, CD में भी लिखना पड़ेगा, 3CD में मर जाएंगे ना, वो तो छोड़ दो, बाकी 3CD में तो हमें देना है, रिटर्न तो वो बढ़ता है वो भर ले, लेकिन 3CD में तो हमारे साइन होने हैं, वहां पर कैसे लिख दोगे, करना पड़ेगा आपको 3CD में। हर नजला चार्टर्ड अकाउंटेंट पे गिरता है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता रह जाता है, मैं क्या करूं, और हर चीज हम करें और हमारे पे रोम मारते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, हम लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद अब ये बीच में संदीप जैन भी पूछ रहे हैं, मैं बोलूं तो बोलो बोलो सर, पैनलिस्ट को तो सुनना ही पड़ेगा, बोलिए संदीप जी। सर, प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट क्या करते हैं कि इनवॉइस को बुक ही तब करते हैं जब उनको पेमेंट करनी होती है अपने बुक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इनवॉइस 2 महीने पुराना है। सर, ऐसा कौन सा लॉ है इनवॉइस को बुक करोगे, जीएसटी इशू आ जाएगा वो तो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो ऑडिट ट्रेल भी शुरू हो जानी है आपकी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, ऑडिट ट्रेल भी बचेगा सर, माल रिसीव होगा जीएसटी वाले खा जाएंगे, आप इनपुट क्रेडिट कहां से लोगे यार, ये कौन सा रूल है, आपका माल आ गया तो जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं लेना, क्या सर्विस आ गई इनपुट क्रेडिट नहीं लेना, वो 2 महीने डेफर हो जाएगा जी जब करोगे बिल। अरे सर, ये जो बातें जो आपने कर रही है ना, ये मेरे पीछे करना, मेरे सामने मत करना, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम हो गया, प्रोडक्शन में चला गया, किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, बाद में आराम से सोच के करना, जीएसटी का क्रेडिट भी लेना है और आपको इनपुट क्रेडिट लेना होता है, और आपको पेमेंट 45 उस दिन करोगे जब पेमेंट आएगी, उसने लिख के दिया उसका बिल तो उतनी डेट का है, आप जो मर्जी, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया मटेरियल, और एक्सेप्ट नहीं किया तो क्रेडिट मत लेना इनपुट का, मटेरियल रिसीव नहीं दिखाना पड़ेगा ना, ट्रेडिंग आपके रिकॉर्ड में मटेरियल रिसीव आ जाता है वहां पर फैक्ट्री गेट पे, आप छोटी बड़ी बातें ना करो, लेकिन हाँ आप कहेंगे जी ये अभी रिजेक्ट कर सकते हैं, तो रिजेक्ट करोगे तब तक अपने अकाउंट से नहीं लोगे तो फिर इनपुट क्रेडिट भी आप डिले कर देना, सब कुछ डिले कर देना, करो मुझे क्या दिक्कत है वो, चले आगे चलो सर, 43B हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी प्लीज, प्रेजेंटिव टैक्सेशन, कालरा जी किताब लिख रहे हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन में, लेकिन लोग मुझे कहते हैं ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्टिव टैक्सेशन चीज है, ये आपके फायदे में नहीं है सर। अनेजा साहब, प्रोजेक्टिव टैक्सेशन लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्टिव टैक्सेशन हमारे लिए बनाया गया, ये सरकार के फेवर में है, ये सरकार के फेवर में है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 6 या 8% से कम है तो आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ऑडिट कराना पड़ता है, मैं ठीक कह रहा हूँ, 6 और 8 आप समझ गए क्यों मैं कह रहा हूँ, 44AD में 6 आता है जब वो पेमेंट वाला, और आपकी इनकम 8% से ज्यादा है तो आपको ज्यादा इनकम दिखानी है, आप 8 नहीं दिखा सकते, 9 है तो 9 दिखानी है, 15 है तो 15 दिखानी है, 25 है तो 25 दिखानी है। ये लोग कहते हैं कहाँ अकाउंट तो बनाए नहीं, हमें क्या पता हमने 15 या 20 कमाए, ये दोबारा मत कहना, बैंक स्टेटमेंट इज नॉट ए बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बैंक स्टेटमेंट मंगा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं आपके इतने पैसे क्यों पड़े हुए हैं यहाँ बैंक में, आपने कमाए तो 8% के हिसाब से बनते हैं 15 लाख,
आपके अकाउंट में तो 30 लाख पड़ा है, 35 लाख पड़ा है, तो ये 8% तो 15 बन रहा था, और फिर 15 के बाद आपने कुछ घर भी खर्च किया होगा, वो कलर। और यहाँ फिर 69 लगा सकते हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी और उस इन्वेस्टमेंट का सोर्स बताना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सोर्स कहाँ है, ये सोर्स तो बताइए, तो वहां भी पकड़े जा सकते हैं। तो ये मत समझिए कि ये आपके फेवर में है, 8 और 6% आपके फेवर में नहीं है। या अकाउंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम लोग 50% दिखाएं, 50 लाख के ऊपर, अब 75 हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो 50% दिखाते हैं वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। अगर 50 से कम है तो अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ, 50 से ज्यादा है तो ज्यादा दिखाओ। और मेरे को कहता सीए, अरे मैं तो अकाउंट्स ही नहीं बनाता तो मेरे को क्या कह देंगे? भाई साहब, आपको बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, आपका ये पूछ सकते हैं इस साल इन्वेस्टमेंट करी, कर वो देख लेंगे। और थोड़े दिन रुक जाइए जैन साहब, फंड फ्लो भी आ रहा है रिटर्न में, उसके 44AD में फंड फ्लो भी देना पड़ेगा। अभी तो कुछ ऑप्शनल कॉलम है, 4 चीजें मैंडेटरी हैं फंड फ्लो में, उसमें 44AD में, क्या वो डेटर बैलेंस, क्रेडिटर बैलेंस, एम आई राइट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कैश अकाउंट। अब थोड़े दिनों में सब मैंडेटरी हो जाएगा कि बताइए क्या फंड फ्लो क्या है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक आपको एडवांटेज दे दी कि 2 करोड़ विल बी रेज टू 3 करोड़ अगर आप 95% पेमेंट अकाउंट पे ही चेक वगैरह से लेते हैं, नॉट मोर देन 5% अदर देन अकाउंट पे ही चेक एटसेट्रा, नॉट मोर देन 5, तो हम वी कैन फॉल अंडर 3 करोड़ और हमारा 8% या 6% प्रज्यूम कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की कब लिमिट 50 से लेकर 75 लाख कर दी, बट ही विल हैव टू शो इनकम ऑफ 37,50,000 मिनिमम, 37,50,000 ही होगी, 15%। तो ये बेनिफिट तब है जब पेमेंट 5% ज्यादा से ज्यादा कैश में आए, 95% सारी अकाउंट पे चेक वगैरह ड्राफ्ट से अकाउंट पे वगैरह से आए। ये आपके फायदे में नहीं है, ये सरकार के फायदे में है। कोई भी आदमी इतनी इनकम कमा नहीं सकता, पहले तो 50 लाख पे 25 लाख कमाना बहुत मुश्किल काम है, खर्चा निकाल के, अब 75 करके 37-50, कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट 37-50 दिखाएंगे वो मैं देखूंगा। तो ये उनके फायदे में, आपके फायदे में। ये फायदा लोग क्यों सोचते थे, वो वाला वो ट्यूशन इनकम दिखा दो, ब्यूटी पार्लर दिखा दो, या वो बोगस इनकम जो दिखाने वाले हैं उनके लिए ये फायदेमंद था, बाकी किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। अकाउंट्स बनाना और ऑडिट कराना बढ़िया है, इससे कोई फर्क नहीं। क्लियर है सर? मैं आगे चलूं, 44AD और 44ADA में लिमिट 2 की 3 करोड़ कर दी और 50 की 75 लाख कर दी गई। कैन आई प्रोसीड फर्दर? आइए सर। ये चेंजेस नहीं हुई, जो पहली चेंज आई है मैं पहले कैपिटल गेन में बता दूं फिर बाकी गेन कर। मार्केट लिंक डिबेंचर्स के बारे में तो बजट बिल में आ गया था कि जो मार्केट लिंक डिबेंचर होते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं मानेंगे। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर को हमेशा शॉर्ट टर्म मानेंगे, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म नहीं होगा, टैक्स पूरा देना पड़ेगा, हाँ कैपिटल गेन देना पड़ेगा मार्केट लिंक डिबेंचर। अब इनको एक चीज और याद आ गई, यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, म्यूचुअल स्पेसिफाइड म्यूचुअल। अब आपके पास डेट फंड होता है, म्यूचुअल फंड दो तरह के हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, एक अदर म्यूचुअल फंड। अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड को कह दिया जहां पर म्यूचुअल फंड नॉट मोर देन 35% अपना पैसा शेयर में लगाता है, नॉट मोर देन 35, उस केस में म्यूचुअल फंड को हमेशा यूनिट को शॉर्ट टर्म माना जाएगा, मतलब उसके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा म्यूचुअल फंड पर। वो पहले जो हम कर लेते थे उसको क्या करते थे कि म्यूचुअल फंड के यूनिट को इंडेक्स कर लेते थे FMT, 3 साल के बाद अगर म्यूचुअल फंड होता FMP बोलते थे FMP, तो 3 साल का इंडेक्स कर लेते थे, उतना इंटरेस्ट आता था वो हम माफ, उतना ही डिविडेंड आता था माफ कर देते। अब प्लीज नोट, 1 अप्रैल 2023 के बाद बहुत पैसा लगा म्यूचुअल फंड में, 31 मार्च 2023 तक लोगों ने लगा दिया, लगा दो, मुझे भी कहा था अश्विनी जी ने, अरे वो वाला है म्यूचुअल फंड लगा दो। ये म्यूचुअल फंड में जो FMP किया वो 31 मार्च 2023 तक है, आज के बाद कोई भी पैसा लगाओगे तो म्यूचुअल फंड वाले से पूछना पड़ेगा कि ये जरा फंड है ये किस में लगाएगा, डेट फंड में, वो डेट फंड माना जाएगा
अगर 35% से ज्यादा नहीं है शेयर्स, 35 से कम है तो वो ठीक है, 35 से कम है तो हम कहेंगे तुम डेट फंड वाले, 35 से ज्यादा है फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर वही पुराना सिस्टम रहेगा। क्लियर हो गया? नॉट मोर देन 35%। तो वो वाले यूनिट जो है उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, लाइक मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। क्लियर हो गया? ये पहली अप्रैल से ये नई चीज नए बिल में डाल दी, नया जो नोटिस ऑफ अमेंडमेंट आया उसमें डाल दिया 50AA। ये सेक्शन 50AA है जिसमें चेंज उन्होंने कर दिया है। पहले सिर्फ मार्केट लिंक डिबेंचर्स किया था, अब यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड भी कर दिया और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड को डिफाइन कर दिया एक्सप्लेनेशन। क्लियर है सर? अब आपको पहली बार पता चल चुका है 54F और 54 में एक चेंज किया, और चेंज क्यों किया थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं आपको और अच्छा लगेगा। बॉम्बे में आपके बहुत न्यूज आए थे पीछे, किसी ने 40 करोड़ का मकान खरीदा, किसी ने 50 करोड़ का खरीदा, किसी ने 30 करोड़ का खरीदा, बट दे नेवर पेड एनी टैक्स ऑन दैट। क्या करते थे सर? आपने कैपिटल गेन कमाया, ठीक है, सारा ऑन एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा कैपिटल गेन उसको घर में लगा दिया और पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ करा। सपोज आपके पास शेयर थे या आपके पास ज्वेलरी थी, आपके पास गोल्ड था, आपने वो शेयर बोनस शेयर थे या कॉस्ट जीरो थी, आपने वो शेयर बेच दिए, 10 करोड़ के शेयर 40 करोड़ के बेच दिए, 30 करोड़ रुपया कैपिटल गेन आया, ठीक है सर। आपने क्या किया, 40 का 40 करोड़ रुपया लगा दिया किसमें, हाउस प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल वन, विद इन 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर और 3 ईयर्स आफ्टर। 54 आप यही तो कहता है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शैल बी एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शनेट टू द नेट कंसिडरेशन प्राइस सो इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर और कंस्ट्रक्शन 3 ईयर। सब कुछ कैपिटल पूरा का पूरा कंसिडरेशन प्राइस लगा दो, 40 का 40 लगा दो, आपको पूरा 30 लाख मांग। अगर 30 लगाओगे तो हम क्या करते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड 30 करोड़ डिवाइड बाई 40 करोड़, प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन माफ होता था। अगर 20 लगाएंगे तो 20 बटा 40 करते थे, गौरव जी यही करते थे, प्रोपोर्शनेट यही होता था। अब इन्होंने क्या कहा है, अच्छा फिर क्या करते थे, ये पूरा कैपिटल गेन माफ करा लिया 30 करोड़ रुपया 40 करोड़ लगा के, गौरव जी अब ये 40 करोड़ का मकान रखा 3 साल तक, फिर इसको बेच दिया। 40 करोड़ का मकान को जब बेचा 3 साल के बाद, पहले 40 करोड़ को इंडेक्स करेंगे और वो इंडेक्स कॉस्ट को घर ले गए, पूरी की पूरी जो वो 30 करोड़ माफ कराया था वो भी घर आ गया और जो इंडेक्स है वो भी घर आ गया, और बाकी कैपिटल गेन जो निकला वो 54 में लगा दिया, दूसरा घर ले लिया। आप समझे प्लानिंग क्या की, 3 साल तक जो 30 करोड़ रुपया आपने एग्जेम्पशन ली उसका बेनिफिट 3 साल के बाद पूरा आपको मिल गया, क्योंकि आपने वो घर बेच दिया उसके साथ इंडेक्सेशन भी मिल गया और फिर कैपिटल गेन लगाया आगे साल और वो भी माफ हो गया 54। तो ये बड़े बड़े लोग यही करा, क्या मकान कोई चीज बेची, मकान में लगाया, उस मकान को 3 साल रखा, जो कैपिटल गेन माफ कराया था वो तो पूरा का पूरा घर ले गए, उसके ऊपर इंडेक्स भी ले गए और बाकी जो कैपिटल गेन आया उसका एक और मकान। क्लियर हुआ अश्विनी जी? इस वजह से कर रहे। अब कह दिया देखो भैया फार्मूला ये लगेगा 54F में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय एनसीपी है ना, नेट कंसीडरेशन प्राइस, अमाउंट इन्वेस्टेड कैन बी नॉट मोर देन 10 करोड़, मतलब 10 या 10 से कम लगाओगे तो उतना कैपिटल गेन माफ करेंगे। अब आपने 10 के बदले 40 करोड़ का बेचा तो 30 करोड़ कैपिटल गेन हुआ, तो आपने कहा मैं 40 का 40 लगा देता हूं, तो माफ पता क्या होगा, 30 into 10 by 40 अमाउंट इन्वेस्टेड चाहे जितना मर्जी लगा दो, 10 से ऊपर होगा तो 10 की लिमिट है, 10 से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 के ऊपर 10 की लिमिट। सो अब तो वो कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं अमीर आदमियों को, गरीब आदमी का घर बेचा ही 10 करोड़ का है तो 10 ही लगा दिया, या लैंड कोई 10 की बेची 10 ही लगा दिया तो प्रॉब्लम थोड़ी है।
मोटा नमक का होगा तो उस केस में अब उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसी तरह 54 में भी कह दिया कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हम माफ कर देंगे दूसरा घर खरीदने में, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड 10 करोड़। 54 में भी 10 करोड़ कर दिया और 54F पे भी 10 करोड़ कर दिया। 54 में 10 करोड़ इतना बुरा नहीं है, 54F में 10 करोड़ थोड़ा बुरा है क्योंकि कैपिटल गेन हम कम माफ कराते थे, अब 10 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल गेन तो उतना ही माफ होगा, उससे ज्यादा थोड़ी। ये क्लियर हो गया सर? 54 है, क्लियर है? ये तो अब आपको पता लग चुका है, ये तो मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर दिया, 54F और 54 कर दिया। मार्केट लिंक डिवेंचर भी कर दिया। अब एक और बीमारी शुरू कर दी हमारे यहां पर, पहले होता था सेल्फ जनरेटेड एसेट, और सेल्फ जनरेटेड एसेट को इन्होंने कहा था पहले बीसी श्रीनिवास शेट्टी की जजमेंट थी कि अगर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती तो वो माफ है, लेकिन इन्होंने फिर सेल्फ जनरेटेड एसेट में ले लिया था गुडविल ऑफ ए बिजनेस और ए प्रोफेशन, राइट टू ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस, राइट टू लाइसेंस ऑफ फ्रेंचाइज और लीज ओल्ड राइट, लूम ओवर्स वगैरह अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इसके ऊपर कॉस्ट नील मानी जाए, इसकी कॉस्ट नील मानी जाएगी और आपको कैपिटल गेन पूरे पे देना पड़ेगा जब ट्रांसफर कर, क्योंकि सेल्फ जनरेट। अब इनको कई दिमाग आया कि भैया कोई और भी इंटेंजिबल एसेट हो सकती है जो हमने डिफाइन नहीं करी, हमने तो नाम लिखा है गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन और हमने लिखा है ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एन आर्टिकल और थिंग, लीज ओल्ड क्या कहते हैं टेनेंसी राइट, लूम आवर्स, ये लिखा है। कोई और भी राइट हो सकता है, कोई आया होगा जजमेंट कि ये तो गलत है, उन्होंने अब लिख दिया एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, एनी अदर जो डिफाइन नहीं की गई, वो भी अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट नील हो, अगर वो भी सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट नील, और राइट में भी लिख दिया एनी अदर राइट, अगर वो कोई भी राइट होगा अगर कॉस्ट उसकी अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट नील होगी और पूरे के पूरे पे जब ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। तो पूरा का पूरा कवर कर दिया, अब लिखने की जरूरत ही क्या थी, गुडविल ऑफ ए बिजनेस है, प्रोफेशनल राइट, एनी इंटेंजिबल एसेट सारे कवर हो गए, एनी राइट सारे कवर हो गए, और इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट नील, कॉस्ट क्या होगी? ये क्लियर हो गया सर? ये भी इन्होंने 55 सेक्शन में कॉस्ट की नील करने के लिए इंटेंजिबल एसेट उसको कॉस्ट को नील कर दिया है। क्लियर है सर? 45A का तो पागल वाला पॉइंट है, वो कहते थे कि भाई जब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो और कैश आएगा तो वो कंसीडरेशन का प्राइस नहीं होगा, ये तो बेवकूफी थी, किसी ने कह दिया तो उन्होंने वहां लिख दिया कैश नहीं होगा, एनीथिंग गिवन इन अकाउंट पे चेक और एनीथिंग पे, वो कोई खास बात नहीं। तो ये मैंने कैपिटल गेन का चैप्टर भी कर दिया, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं आई है, कोई नोटिस ऑफ अमेंडमेंट नहीं आया, यही था, ये हमने कर दिया। आगे चले, कैपिटल गेन हो गया अदर सोर्सेस, आपको बता ही दिया मैंने कि अदर सोर्सेस में जो अमेंडमेंट आई वो वही वाली थी, आउटसाइड इंडिया वाली एक अमेंडमेंट थी और एक वो लाइफ इंश्योरेंस की थी, 5 लाख से ऊपर होगा तो वो कैपिटल गेन में वो लाइफ इंश्योरेंस में उसको टैक्स लगा देंगे अंदर अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये हमने कर लिया। हम आगे बढ़ेंगे, 80 सेक्शन का आपको चैप्टर 6 से तो लिख ही दिया कि भाई उसकी रिडक्शन नहीं मिलती है, एक 80 CCS डाला है वो बोल दिया, पर 80G मैंने बता ही दिया था, वैसे तो 80G खत्म है, वैसे मैं बताऊं जब नई रजीम में है तो 80G मिलना ही नहीं, नई रजीम में है तो पॉलिटिकल पार्टी को दान देंगे वो भी नहीं मिलना, कुछ मिलना ही नहीं है, 80GGB 80GGC 80G सब खत्म हो गए नई रजीम में, लेकिन अगर ओल्ड रजीम में है तो 80G मिलता है ना। अरे अगर आप कंपनी है और 22% टैक्स देते हैं, चैप्टर 6 मिलता है ये? नहीं मिलता, नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? उसे ATM मिलता है, 80GGAA मिलता है 22% में, यही है ना, रेमिशन की 22% में, 15% में है, वो नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो 30% में जाए तब मिलता है ना 80G। एक फर्म है जिसको सब कुछ मिलता है चैप्टर 6 से, क्योंकि वहां नई रिजीम कोई है ही नहीं, लेकिन इंडिविजुअल के लिए अगर नई रजीम है तो मिलना नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा है कि देखिए अगर अगर आप इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को या राजीव गांधी फाउंडेशन को या आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड को कोई डोनेशन देंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद,
वो डिडक्शन नहीं देंगे। ये किन के लिए लिखा है? अरे उनके लिए ना जो नई रजीम में नहीं है, जो ओल्ड रजीम में तभी तो है, नई रजीम में तो वैसे ही नहीं मिलनी। ओल्ड रजीम वालों को लिख दिया कि भैया ये तीनों की डिडक्शन आपको नहीं। क्लियर कर दिया सर, आगे बढ़ू। ये तो सिर्फ उस दिनों मजाक करा था कि उनको पता नहीं लगा, लेकिन अब तो सबको पता लग चुका है, तो इसलिए तो खास बात तो है ही नहीं जो मैंने आपको बता दी, इसलिए आगे बढ़ रहे। लोग ऑनलाइन गेम बहुत खेलते हैं, पता नहीं अश्विनी जी खेलते नहीं खेलते, लेकिन कोई ड्रीम इलेवन खेल रहा है, कोई पता नहीं वो ब्लडी क्या नाम, पता नहीं क्या क्या नाम है, ऋषभ ज्यादा बता सकता है ऑनलाइन। पता सर सबको सब है आपको, पता सब है आपको क्या जी? पता आपको सब है? पता है लेकिन खेली कभी नहीं ना, तो पता नहीं इसलिए। और कौन कौन सी गेम है सर बता दो, ऑनलाइन गेम ये रमी कैसे पूछो हैं, दो तरह से पूछो। चलो जो भी ऑनलाइन गेम है, अब प्रॉब्लम आती थी ऑनलाइन गेम का, आप अर्न कर रहे हैं विनिंग्स, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस की क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास टीडीएस 194B और 194BB में कटता है, और टैक्स का रेट लिखा हुआ है 115B और 115BB में 30% टैक्स, विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एनी अदर गेम, वो 30% है, रेस का 30% है, लेकिन टीडीएस काटते हैं 194B में और 194BB में, लॉटरी वगैरह का 194B में और रेस का 194BB में, तो ठीक करता हूं। अब ये ऑनलाइन गेम को पकड़ना था, और वहां 10,000 वाली लिमिट भी है, ऑनलाइन गेम को पकड़ना था, तो इन्होंने दो सेक्शन डाले, एक 115BBJ जिस पे लिख दिया कि ऑनलाइन गेम खेलोगे तो 30% टैक्स लगेगा, 115BBJ, और एक डाला 194BA, 194BA में कहा ऑनलाइन गेम में जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन गेम है, तो उसके ऊपर दो तरीके हैं, एक तो जब विड्रॉ करता है, एक होता है एंड ऑफ द ईयर, आपने विड्रॉ नहीं किया तो एंड ऑफ द ईयर आपका टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30%। कौन काटेगा? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट, अगर एट द एंड, अगर बीच में पेमेंट दे दी तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। क्लियर हो गया? अब ये टीडीएस किस रेट में कटना है? 30%, एंड नो स्लैब, कोई एग्जेंप्शन लिमिट नहीं है। अगर आप 100 रुपए का भी ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो टीडीएस 30% काटना पड़ेगा, किसको? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट, 30% टीडीएस अंडर 194BA में ऑनलाइन गेम काटेगा, और ये पहले उन्होंने करा था 1 जुलाई 2023, अब नए में लिख दिया ये 1 अप्रैल से ही शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया टीडीएस काटना ऑनलाइन गेम में, पहले 1 जुलाई से रखा था, अब इसके ऊपर आ रहा है सर्कुलर, 2-4 दिन में वो नोटिफिकेशन बता देंगे क्या टीडीएस क्या प्रोसीजर है, और वो तैयार है, वो आ जाएगा। सो ऑनलाइन गेम टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 30%, नो स्लैब, नो थ्रेशोल्ड लिमिट, दे विल हैव टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 30%। ठीक आ गया? ये 194BA सिर्फ चेंज किया है फ्रॉम 1 जुलाई, इट इज नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल, नॉट फ्रॉम 1 जुलाई। क्लियर हो गया? और 194BA 1st अप्रैल से हो गया, 115BBJ भी 1st अप्रैल से एप्लीकेबल हो गया। और एक 194B और डबल बी में लोग क्या करते थे, लॉटरी जीतते थे, एक लॉटरी जीती 8,000 रुपए की माफ, दूसरी लॉटरी जीती 8,000 की जीती, टीडीएस नहीं कटेगा। अगर दोनों लॉटरी एक ही आदमी दे रहा है तो एग्रीगेट 10,000 दे रहा है, एग्रीगेट, अब पर ट्रांजेक्शन नहीं, पर विनिंग नहीं, एग्रीगेट 10,000। रेस में भी यही, पहली रेस जीती 10,000 से कम है, टीडीएस नहीं कटा, अगली फिर जीती 10,000 से कम है, टीडीएस नहीं कटा, अब नहीं, पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो होगा अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा एग्रीगेट दे रहा है, 1 और मोर देन 1, उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 194B में भी और 194B। ये क्लियर हो गया सर? ये भी लॉ आया था, वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो लॉ आया था। और 192A में पहले क्या होता था कि आप जब प्रोविडेंट फंड से पैसा आता था तो पैन नंबर नहीं देते थे तो 30% टीडीएस करता, मैक्सिमम मार्जिन 30% काटते थे। अब कईयों का पैन नहीं है क्योंकि उनकी इनकम कम है, लेकिन प्रोविडेंट फंड कटता था, तो अब इन्होंने कह दिया नहीं, अगर पैन नहीं देंगे तो वो 206AB लगेगा कि 20% से ज्यादा नहीं।
तो वहां से उन्होंने वो प्रोविजो हटा दिया कि भैया अब 192A में 30% TDS नहीं कटेगा, वहां तो 10 ही लिखा है, लेकिन अगर पैन नहीं देगा तो 206AB में ऑलरेडी लिखा है जब पैन नहीं देते तो डबल द रेट होता है और मैक्सिमम 20% है, तो इसलिए उन्होंने वाल लिख दिया। क्लियर हो गया सर? ये भी मैं आपको बताना चाहता था। और एक 193 में पहले जो डीमैट होती सिक्योरिटीज होती थी उस पर TDS नहीं कटता था, लेकिन अब लॉ बन गया कि चाहे डीमैट हो सिक्योरिटी TDS तो कटेगा ही कटेगा अगर वो एक लिमिट से ज्यादा है, वहां से उन्होंने हटा दिया है। हाँ, वो उसको बिजनेस ट्रस्ट का रिप्लेस कर दिया है, वो आपके मतलब का नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा। सो ये 193 में भी चेंज आई जो मैं आपको बता दी, 194 में, सॉरी, आगे चलो। एक 194 LC आपके मतलब का नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट के लिए है, उन्होंने वहां पर एक लिमिट लगा दी 9%, वो आपके मतलब का नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर। अब 206AB और 206CCA में क्या हो रहा था सर, कि उन्होंने लिखा था पैन नहीं देना तो आपका 20% होगा, था ना 20% मैक्सिमम, नहीं था, सॉरी, डबल द रेट होगा, डबल द रेट, अगर पैन नहीं देंगे तो डबल द रेट होगा। अब सुनिए अश्विनी जी, क्या हुआ, ऐसे ही वहां लिखा था। अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे TCS है, आप बाहर पैसे भेज रहे हैं तो अब 20% हो गया ना, लिबरलाइजेशन में 20% हो गया, अगर वो पैन नहीं देता तो 20 का डबल हो जाएगा 40%, या वो नॉन फाइलर है तो क्या 20% का डबल हो जाएगा, बोले क्या दिन नहीं 20% ही रहेगा, मैक्सिमम 20% TDS या TCS होगा। अब मेरी बात को समझे, ये पहला पॉइंट उनको मिस हो गया था क्योंकि डबल कह रहे थे, अब डबल रेट करने के लिए लॉटरी का भी तो डबल 30% का 60% होगा, पैन नहीं देगा तो क्या होगा, उन्होंने कहा जी मैक्सिमम तो रेट जो है उसको छोड़ दो, लॉटरी वाला जहां पर भी है 20 से ऊपर नहीं होगा अगर पैन नहीं देगा, अब TCS भी 20 से ऊपर नहीं होगा अगर पैन नहीं देगा, और नॉन फाइलर के केस में भी 20% से ऊपर नहीं होगा पैन नहीं देगा। तो ये 206AB, 206CC, 206C1H एंड 206CCA तीनों चेंज करके इन्होंने मैक्सिमम 20% कर दिया है, ये भी मैं आपको बताना चाहता था जो आपको बताया। आपको ऑलरेडी पता है जब भी आप पैसा बाहर भेजेंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, अगर तो वो एजुकेशन या मेडिकल के लिए भेजा है तो TCS का रेट 5% है, पहले मेडिकल नहीं था, अब मेडिकल आ गया। इफ यू आर गिविंग फॉर सेंडिंग मनी अब्रॉड फॉर एजुकेशन ऑफ यू आर योर सेल्फ और चिल्ड्रन और फॉर मेडिकल रिलीफ तो उस केस में TCS 5% होगा। हाँ, अगर आप लोन लेके एजुकेशन के लिए लोन लेके भेजेंगे तो TCS 0.5% होगा, बाकी सब केस में चाहे आप पैकेज टूर हो चाहे कोई और पर्पस के लिए हो, जब भी बाहर भेजेंगे, लिमिट भी खत्म कर दी 7 लाख पर, जब भी बाहर कोई पैसा जाएगा और लिख दिया रुक जाइए आउट ऑफ इंडिया वर्ड हटा दिया, आउट ऑफ इंडिया वर्ड दोनों जगह सेंट आउटसाइड इंडिया वर्ड हटा दिया और कह दिया एनी मनी सेंट अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उस केस में TDS 20% और वो चेंज नहीं किया। हमने बहुत मिन्नत करी थी कि सर ये बहुत ज्यादा है 20%, और मेरी बात मानकर कहा था कि हम 10% कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी बेटी को अगर ऋषभ मैं गिफ्ट भेजता हूं लिबरलाइज स्कीम में तो क्या TCS होगा कि नहीं रहेगा सर, हालांकि वो एग्जेम्प्ट है 56-10। मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया, मैं गिफ्ट दे रहा हूं और वो बाहर है, और जब गिफ्ट दिया और वो आउट ऑफ इंडिया को लिख दिया कि मैं इंडिया में गिफ्ट दे दूं उसको उसके नॉन रेजिडेंट अकाउंट में, तो आउट ऑफ इंडिया भी वर्ड हटा दिया। मैंने उसको गिफ्ट दिया क्योंकि वो मेरी रिलेटिव है तो मुझे तो टैक्स, उसने तो टैक्स कोई देना नहीं है, लेकिन मुझे तो TCS को काट, उसको TCS मेरा कट जाएगा और फिर मैं अपनी रिटर्न भरकर वो TCS वापस लूंगा। ये कौन सा तरीका है सर, 20%, अब मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूं उधर 20% TCS कट रहा है, फिर मेरी रिटर्न जाएगी और TCS वापस आएगा। उसका भी तरीका है सर, उसका तरीका ये है कि पहले आप उसको गिफ्ट दो इंडिया में NRO अकाउंट में, वो फिर अपना पैसा खुद वापस लेके जाए बाहर।
अब देखिए तैयार सारे चीजें पड़ी हुई है, अब जरा ऋषभ कुछ बात करना चाहता है पहले सुन लो फिर मैं इसका रिएक्ट करूं। नहीं सर ये तरीका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है सर? जब वो भी भेजेंगे अपने आप को वो भी तो LRS में भेजेंगे। ना 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 ओह नो नो सेल्फ नो ना 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 शी इज नॉन रेजिडेंट शी इज नॉन रेजिडेंट राइट नॉन रेजिडेंट इज नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल। नहीं 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 वो नॉन रेजिडेंट है। वो नॉन रेजिडेंट है NRO अकाउंट तो उसका हो सकता है ना, पहले NRO में गिफ्ट दो वो अपने आप को फिर वो ट्रांसफर करे और वो अपने आप को वहां पे कॉल करे या फिर इधर 15 CV दे के या जमा कराए वो सब कुछ है ना। अब आप मेरे को सारी चीजें सिखा रहे हैं लेकिन वैसे तो गलत है ना। 20% तो यहाँ पर उसको पहले गिफ्ट यहाँ दूं फिर वो अपने आप चेंज करे वो वाली बात है ना। डायरेक्टली बाहर तो नहीं भेज सकता सर। सर कैन बी फॉर बिकॉज वो टैक्सेबल तो होगा नहीं, इट्स अ गिफ्ट टू अ रिलेटिव एंड 56(2) नहीं लगेगा। टैक्सेबल नहीं होगी पर LRS में तो टैक्सेबल है। सर बट कैन वी कैन गो फॉर अ लोअर रेट ऑफ टैक्स लोअर यार ये बातें तो बात की है ना। लो रेट ऑफ टैक्स और ये और वो इस पे लो रेट ऑफ टैक्स करो 206 में लो रेट का ही वो तो सर अब फैक्ट जो हो गया वो तो हो गया ना। आप उसकी बात करें जो है मैं तो लॉ बता दिया और क्या करा। आप तरीके बाद में बता देना इन लोगों को। मैं जरा शरीफ आदमी हूँ, मैं लॉ मेकर हूँ, ये लॉ ब्रेकर है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लॉ मेक कर रहा हूँ, ये लॉ ब्रेक कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे करके कर लो मुझे कोई मना नहीं है। ये अलाउड है सर, अलाउड कर सकते वो बिल्कुल आप कर सकते। अब मैं ये चाहता हूँ टाइम काफी हो गया, जो क्वेश्चन पूछना पूछो सर। चैरिटेबल का फिर बाद में करें क्वेश्चन। मैं इसीलिए तो बोला था कि ये चैरिटेबल का भूल जाएंगे और मेरी जान छूट जाएगी। अब चैरिटेबल करते छोटा सा क्वेश्चन पूछो सर। सर लास्ट में करना पहले क्वेश्चन चैरिटेबल कर ले सर, बाकी आप सुनिए चैरिटेबल का पूछ लेते। देखो ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर आया था 2 साल पहले कि अगर कॉर्पस में पैसा से यूज करेंगे, पहले तो कॉर्पस में पैसा आएगा यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी अंडर 11.5 इन अ मोड गिवन अंडर 11.5। फिर कहा था अगर कॉर्पस से पैसा यूज करेंगे सेम ईयर में ये एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगले सालों में अगर आप चाहें तो जितना पैसा कॉर्पस से लिया था वो कॉर्पस को रिफिल कर दें तो हम उसको एप्लीकेशन मान लें। सपोज कीजिए मेरे पास कॉर्पस में 2 करोड़ रुपया आया हुआ है, इस साल आया, मैं वो 2 करोड़ में से कुछ यूज कर लिया क्योंकि कॉर्पस से जो पैसा है वो एग्जेम्प्ट है तो यूज कर लिया तो उसकी एप्लीकेशन तो है ही नहीं, इस साल तो है नहीं। अगले साल मैंने जो नई इनकम आई उसमें से कॉर्पस को रिफंड कर दिया तो वो कह रहा है ये एप्लीकेशन अगले साल की मानी जाएगी। अभी ने ये लॉ बनाया था कि कॉर्पस को रिफंड जब होता है तो एप्लीकेशन मानी जाएगी, लेकिन ये भूल गए कहना कि भैया एप्लीकेशन तो मानी जाएगी, कितने सालों में वापस करूंगा तो वापस मानी जाएगी। तो अब इन्होंने लिख दिया नॉट मोर देन 5 ईयर, पर जितना भी कॉर्पस से लोगे अगर 5 साल के अंदर अंदर वापस कर दोगे तो ये एप्लीकेशन मानी जाएगी, 5 साल के बाद करोगे तो। जैसे मैंने 1 करोड़ रुपया निकाल लिया था 2022 में मैंने 1 करोड़ रुपया निकाला तो मुझे 5 साल के अंदर अंदर वापस कर देना 1 करोड़ रुपया तो ये एप्लीकेशन है। जिस साल भी वापस करूंगा उस साल की एप्लीकेशन है, अगर 5 साल के बाद करोगे एप्लीकेशन नहीं। दूसरा कह दिया जो कॉर्पस में 1/4/2021 का बैलेंस है उससे आप कर ही नहीं सकते ये वाला एप्लीकेशन, वो तो पूरा का पूरा हमने माफ कर दिया हुआ था। अब उसके लिए जैसे हम ये नहीं मानेंगे कि इसको एप्लीकेशन किया है तो इसको रीफिल कर दो, वो नहीं होगा 21 का भी कह दिया। और दूसरा कह रहा है जब भी कॉर्पस से यूज करोगे तो कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करिए, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा नहीं तो वो नहीं करेंगे, ये भी कह दिया उसने, ये भी कह दिया। ये तो कॉर्पस का करा, लोन का भी यही कहा कि अगर आपने लोन लिया है तो लोन एप्लीकेशन नहीं, जब लोन को वापस करते हो तो एप्लीकेशन है, ये तो लॉ है ना जी। तो जो लोन 2021 से पहले गया उसको तो करा नहीं, लेकिन क्या कह दिया लोन को 5 साल में वापस कर। मैंने इनको कहा था सर अगर मैं कॉलेज बनाने के लिए टर्म लोन लेता हूं बैंक से तो 10 साल 15 साल 20 साल का मिलता है तो 5 साल में वापस कैसे करूंगा, ये तो आपने गलत किया। प्राइवेट लोन तो मैं कर दूंगा 5 साल में इसके तरफ, तो सर कम से कम ये तो कर दो कि अगर बैंक वगैरह से लोन लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो उसकी लिमिट 5 साल की नहीं। नहीं माने हैं आपको वो लोन भी 5 साल में वापस नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन माना नहीं जाएगा। ये तो मेरे समझ में नहीं आई क्या करना चाहिए। हाउ कैन यू रिटर्न द लोन इन 5 ईयर टाइम इफ इट इज अ टर्म लोन।
दैट मीन यू कैन टेक अ लोन ऑफ टर्म लोन और 5 ईयर ओनली. मुझे कोई इस चीज को समझा दे ये क्या लॉ बना कि मैं लोन ले रहा हूँ कॉलेज बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ये ले रहा हूँ बैंक से लिया है और कहता है ये एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि मैंने बिल्डिंग में लगा दिया 20 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया मेरा अपना था, 15 करोड़ रुपया लोन का लगा दिया. अब ये लोन को पैसे मैं एप्लीकेशन कब मानूंगा, जब पेमेंट करूंगा. वो कह रहे पेमेंट करने में एप्लीकेशन मानेंगे अगर 5 साल के अंदर अंदर कर दोगे, अगर जो 5 साल के बाद करोगे उसको एप्लीकेशन. इंटरेस्ट तो ठीक है, इंटरेस्ट तो जरूर वो एप्लीकेशन हो ही जाएगा, लेकिन ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कैसे मैं 5 साल में रिकॉर्ड कर दूं. वो तो कह दिया प्राइवेट लोन होता मैं मान लेता, अब ये तो मैंने बैंक से लिया है लेकिन माना नहीं, अगले साल फिर कोशिश करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं. लेकिन ये उन्होंने कह दिया है. दूसरी बात, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फॉर्म 10B और 10BB अब आपको 31 अगस्त तक फाइल करना है. अरे सॉरी, वो तो आपको करना है कब, 30 सितंबर तक करते हो, लेकिन जो फॉर्म 10 देना है एक्यूमुलेशन ऑफ मोर देन 15%, जो फॉर्म 10 भेजते हैं ना मोर देन 50% एक्यूमुलेट करते हो, 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो फॉर्म आपको 31 अगस्त तक देना है, 31 अगस्त तक, क्योंकि 1-2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, पहले लिखा था ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक देना है, अब आपको 31 अगस्त तक इस साल देना है फॉर्म 10 या 9A फॉर्म जो देते हो जो सेक्शन 11 में, वो भी आपको 31 अगस्त तक फाइल कर देना है. अगर नहीं करोगे तो वो एप्लीकेशन वो आपको हम नहीं देंगे बेनिफिट, या 9A का या 11-2 का, 11-2 भी मोर देन 15% जो है वो नहीं देंगे. अगर आप डोनेशन दूसरे ट्रस्ट को दे रहे हो तो हम 85% एप्लीकेशन मानेंगे. अगर जैन साहब आपने 1 करोड़ रुपया दूसरे ट्रस्ट को दिया, हम एप्लीकेशन 85 लाख मानेंगे, 1 करोड़ नहीं मानेंगे. सर, इफ लोन इज रिसीव्ड एंड टेकन एज ए इनकम, फिर तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगी. लोन कैन नॉट बी टेकन एज एन इनकम, लोन इज नेवर एन इनकम, इट इज नेवर एन इनकम, बट बिकॉज एप्लीकेशन के नो, पहले का उन्होंने माफ कर दिया, आपको छोड़ दिया. नहीं तो मैं शुरू से कहता था लोन इज नॉट एन इनकम, हाउ कैन यू अप्लाई. मैंने 5 करोड़ का एक मकान खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, 2 करोड़ रुपया लोन लिया, 3 करोड़ रुपया अपना लगाया, तो एप्लीकेशन 5 कैसे हो गई, 3 एप्लीकेशन, 2 करोड़ तो जब दोगे तब एप्लीकेशन मानी जाती. लेकिन कई जगह पीछे से ना उनको कुछ आता था ना हमारे वालों को आता था, कर दिया, लेकिन बाद में अब क्लियर कर दिया लोन को इनकम नहीं मानते. सो लोन को लोन से जो अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन नहीं है. इसका मतलब कॉर्पस को भी हमें कॉर्पस में नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल इनकम. ना कॉर्पस की बात अलग है, कॉर्पस तो है ही एग्जेम्प्ट, कॉर्पस तो एग्जेम्प्ट कहते हैं ना, इसलिए वो अप्लाई करे तो एप्लीकेशन नहीं मानते. नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कॉर्पस तो एग्जेम्प्ट ही है, बट इफ वी डोंट ट्रीट इट एग्जेम्प्ट एंड वी टेक इट इन द पीएनएल अकाउंट इटसेल्फ, फिर तो एप्लीकेशन मानी जाएगी. वो फिर तो 85% ही तो मानी जाएगी, 85% तो ले सकते हैं उसको. हां तो वो तो कॉर्पस मत कहो ना उसको, लो कमाल, आई मीन आप करो तो भी माफ है. अब कॉर्पस में से निकल के नॉर्मल में आना पड़ेगा. और गलत कह रहे हो आप, बिल्कुल गलत कह रहे हो. कॉर्पस बहुत अच्छा है, कॉर्पस 2 तरह के होते हैं, एक जनरल कॉर्पस, एक स्पेसिफिक कॉर्पस. जनरल कॉर्पस में आपको बताया नहीं जाता क्या करना है, आपके पास पैसा पड़ा है, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, आप जब भी चाहें यूज कर लीजिए, वापस कर दीजिए. हमने अगले साल की इनकम को जो एप्ली वापस किया एप्लीकेशन मान लिया, इससे बढ़िया क्या है. अगर आपके पास आया आप खर्च नहीं कर सके तो आपको फॉर्म 10 देना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं देना. यहाँ तो अगले साल की इनकम को भी माफ कर दिया, बिल्कुल नहीं, आई डोंट एग्री. कॉर्पस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कॉर्पस का एप्लीकेशन अब 5 साल के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा. बस अब प्रॉब्लम यह है, कॉर्पस के फंड तो हमें बैंक में ही रखने पड़ेंगे, इन एनी केस, चाहे 5 साल के अंदर रखें चाहे कब मर्जी रखें. कितने कह दिया, खर्च हो गया तो कुछ भी नहीं करना, अगर खर्च नहीं किया तो 11-5 में रखना. जब खर्च करके दे दिया तो 11-5 में कैसे हो गया, जब मैंने यूज कर लिया तो फिर 11-5 में कैसे हो गया सर, उसको एप्लीकेशन नहीं माना, नहीं माना. तो 11-5 में सर, 2 करोड़ में से मेरे को 1 करोड़ रुपया यूज कर लिया, हमने 2 करोड़ एग्जेम्प्ट ले लिया था, अब 1 करोड़ यूज कर लिया तो कहां, अब मेरे 11-5 में कहां है, मैंने खर्च कर दिया. विद इन 5 ईयर तो लेकर जाना पड़ेगा ना. अरे सर, नहीं करो तो ना करो, खर्च हो गया. कॉर्पस मैंने खर्च कर दिया ना, तो मना थोड़ी है कॉर्पस खर्च करना, लेकिन वापस कर दोगे तो हम फिर एप्लीकेशन मान लेंगे. हमने कॉर्पस से पैसा खर्च करने को मना थोड़ी किया है, हम उसको खर्च कर लो, एग्जेम्प्ट नहीं, एग्जेम्प्ट है आपको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे. एग्जेम्प्ट करके पहले 11-5 में डाल दो, फिर अप्लाई कर लो, पहली बार एप्लीकेशन ले लो फिर अप्लाई कर दो, हम कौन मना कर रहे हैं.
कॉर्पस है, जब मर्जी अप्लाई करो, हमने उसको एप्लीकेशन नहीं माना, अगर एप्लीकेशन मनवाना है तो रिफंड कर दो, खत्म। और बहुत अच्छा कॉर्पस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आगे चले, 85% भी कर दिया और फॉर्म 10 का 9A भी कर दिया मैंने। अब आपको एक और चीज बता दूं, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, सिर्फ वो करवाए जिसका कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं हुआ, उसके लिए प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गया तो आपको सीधा रेगुलर वाला मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर प्रोविजनल जब मिलता है तो 6 महीने ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी में आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। जब आपका कमेंट्स हुआ ही नहीं है तो आपको दोबारा करना ही नहीं, वो तो दोबारा करेंगे जब कमेंट्स करेंगे। तो इसलिए दो पार्ट कर दिए, इफ यू हैव नॉट कमेंस द एक्टिविटी काइंडली अप्लाई फॉर प्रोविजनल, एंड व्हेन यू कमेंस विद इन 6 मंथ यू अप्लाई फॉर रेगुलर। बट इफ यू हैव ऑलरेडी कमेंस और अब आप शुरू करना जा रहे हैं तो रेगुलर का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कीजिए, प्रोविजनल नहीं। रेगुलर 5 साल के लिए है और प्रोविजनल तो 3 साल के। और एक और खतरनाक काम, आपने रेगुलर ले लिया, श्रीवास्तव जी 5 साल हो गए, अब कहते छोड़ो ना, आगे रिन्यू ही नहीं कराते। अगर रिन्यू नहीं कराओगे तो 115 TD डाल देंगे और जितनी भी एसेट होंगी आपकी मार्केट वैल्यू 30% माइनस लाइबिलिटी को उठाकर टैक्स कर देंगे 30%। 30% आपको करना ही पड़ेगा रिन्यूअल, ना करेंगे रिन्यूअल तो टैक्स देना पड़ेगा जितनी भी एसेट आपकी बची हुई है उसके ऊपर। और उसके ये वाला पॉइंट भी मैं बताना चाहता था। और बाकी अब बाकी चीजें मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब जो मर्जी सवाल पूछिए, 7 बज रहे हैं इसीलिए क्या। चलो सर क्वेश्चन पूछते हैं, एक मिनट। एक तो चलो अनुराग, एक पहले मैं कहता हूँ वो सर क्यूए वाले जान ले लें क्वेश्चन जो क्यूए में है, उसमें से बेहतर एम्प्लॉई कैन चेंज द ऑप्शन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू और वाइस वर्सा, ये तो हो ही सकता है जी ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम। प्लीज 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 ऐसे मत कहो, जमाना बदल गया। हाँ जी एम्प्लॉई, अगर वो एम्प्लॉई है तो उसको ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं, अगर वो ओल्ड न्यू में रहना है फिर ऑप्शन किस बात की, ओल्ड के लिए ऑप्शन है। ठीक है, अब ओल्ड से न्यू आना है तो फिर क्या जरूरत, अगले साल मत दे ओल्ड की, टीचर इज अ सेपरेट ईयर, अगले साल फिर न्यू में अपने आप आ गया बाय डिफॉल्ट। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं, ये अगर वो एम्प्लॉई है, अगर वो कुछ भी ना बोले, अगर न्यू में रहना चाहता है, ओल्ड में रहना चाहता है तो अप्लाई कर दे इस साल, अगले साल न्यू में रहना चाहता है मत अप्लाई करे। वो वहां पे परमानेंट नहीं होता है, हर साल इज अ सेपरेट ईयर, लेकिन बिजनेस के लिए परमानेंट होता है कि अगर आपने ओल्ड में गए तो वहीं रहोगे, वापस आने के लिए लिख के दो, और एक बार लिख के दो दोबारा नहीं आएगा। ये है सर वो। राहुल बजाज उनका क्वेश्चन है, सर इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम द सेम सिचुएशन इज देयर अप टू 5 लाख नो टैक्स। ओल्ड रिजीम में सर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बट ऑन 5 लाख 1 रुपये पे 12,500 है, उसमें भी मार्जिनल रिलीफ आया कि नहीं आया ओल्ड में? नहीं आया, ये वो 87A में आ गया ना, 87A में जो मार्जिनल रिलीफ आया वो आ गया। अच्छा ओल्ड के लिए भी आ गया सर, वो मैं एक मिनट देख के बता, एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो लैंग्वेज पढ़ लूं। 7 लाख के लिए आया, 7 लाख तो वो प्रोविजनल था ना, फिर भी एक मिनट देख लेता। ये कालाना जी आ गया, भाग गए थे भी, यही क्वेश्चन ना पूछ लो आप। सर मैं एक सेकंड सर मुझे देखने दो सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़ ले देता हूँ, मैं गलत बोल दू बाद में मेरी बेइज्जती होगी। इनको फोन करके बुलाया, मैं क्वेश्चन नहीं पूछते, आप आ जाओ। एक सेकंड बता रहा हूं सर, एक सेकंड। यस प्रोवाइडेड दैट, नो सर 5 लाख वालों के लिए नहीं है, 7 लाख वालों के लिए है सिर्फ, क्योंकि जो सेकंड डाला उन्होंने, एक्सीड 705,000 एंड द इनकम टैक्स पेबल और सच टोटल इनकम एक्सीड द अमाउंट बाय विच, नो नो, 5 के ऊपर वही है, नो सर। ओके सर, इट इज ओनली फॉर 7 लाख भाई, ये दिमाग में था फिर भी मैंने कहा देख लूं चेक कर लूं भाई कभी गड़बड़ हो जाए। तो सैलरी एम्प्लॉई वाला तो सर है ये, वेदर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अलाउड टू सर, मिलेगी मिलेगी जी, चाहे ओल्ड में हो चाहे न्यू में हो, दोनों में मिलेगी। हाँ जी वो अलाउड ही है। रिसेंट सीपीसी डिसअलाउड टीडीएस क्लेम ऑफ 94Q इन केस ऑफ कच्चा आड़तिया इन, ये क्वेश्चन जो है ना पर्सनल वाले डिफरेंट, ये बजट का हो, ये 194Q आज का नहीं है, बाद में बता दूंगा।
देखिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी क्या 100% सब्सिडियरी है, नेचुरली 100 ही होगी सर। अगर आपने देखिए हमारे इनकम टैक्स में, मैं थोड़ा बताता हूँ, हमारे इनकम टैक्स में होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों सेपरेट है, दे आर सेपरेटली टैक्स्ड, ये तो पक्की बात है। अब ये पूछ रहे हैं होल्डिंग कंपनी एक लोन दिया था सब्सिडियरी कंपनी, और सब्सिडियरी कंपनी का लोन वेव कर दिया, यही कहना चाहते हैं ना। और वेवल ऑफ जो लोन है अगर आप कर रहे हैं, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मी अब जो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हट गया है तो उसके लिए सोच के तो लगेगा, क्योंकि हालांकि दोनों एक ही हैं, कंपनी लॉ इज अ डिफरेंट थिंग, 100% सब्सिडियरी है ये है, इनकम टैक्स में तो दो सेपरेट एसएससी हैं, तो वो उसको अगर लोन वेव करती है तो वो उसकी, वो अगर उसकी इनकम हो जाएगी तो इसका एक्सपेंस तभी तो मिलेगा, नहीं तो एक्सपेंस कैसे मिलेगा, वेवर में तो इसको तो लॉस मिलेगा ना। लोन अगर लोन फिर वही वाली बात है कि लोन जो दिया गया इस उसको वो तो कैपिटल दिया है, इसकी इनकम मान ली जाएगी, मेरे ख्याल उसको तो लॉस भी नहीं मिलेगा, सोचने दो उसको तो लॉस भी नहीं मिलेगा। मैं और सवाल पूछा, मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड में सोचते जा रहा हूँ। सर दूसरा बैड डेट्स का, बैड डेट्स का भी क्लैरिटी नहीं है, बैड डेट की वही जो बता रहा हूँ वही वाला लग रहा है, बैड डेट्स में तो नहीं सर, बैड डेट्स में तो देना ही पड़ेगा ना 194R, तो वो तो मैं कह रहा हूँ, तो ये भी लोन वाला एक प्रकार से, क्योंकि लोन वेवर का जो करा है वो तो उसका बेनिफिट तो दिया ही है आपने ना, अगर वो सेपरेटली असेस होते हैं तो बेनिफिट तो दिया ही है ना आपने, चाहे वो अकाउंट जाके मर्ज ऊपर मर्ज हो जाए, वो तो अकाउंटेंसी के लिए है, अकाउंटी लॉ के लिए है, इनकम टैक्स के लिए तो सेपरेट असेसी है। हाँ जी, तो एक बार सोच ले तो सर, एक बार सोच, चलो आगे कमेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर, कर दीजिए कोई भी कमेंट कर रहा हो जो ये जो क्वेश्चन है। हाँ जी सर, एनीबडी वॉन्ट्स टू कमेंट ऑन दिस सर, एक कमेंट करना चाहते हैं, लोन वेवर कर दिया होल्डिंग ने सब्सिडियरी का, सर क्रॉस ना करो अभी ना, फिर आप जो व्यू दे दिया अगली बार दे देना सर, पता है क्वेश्चन बहुत है। चलो नहीं नहीं, मैं किसी से पूछ रहा, पैनलिस्ट को हमें जवाब दे दे। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन ही पूछेंगे सर, अदरवाइज वो क्रॉस डिस्कशन शुरू हो जाएगी। सर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट डू नॉट इन्फॉर्म अबाउट एमएससी क्रेडिटर, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको इन्फॉर्म कर लेटर तो लिखना पड़ेगा एक बार, क्यों सर? जी हाँ, दे हैव टू रिराइट, और उससे लिख दो, वी गिव यू रोड, वी रोट ए लेटर टू यू, हैव नॉट रिप्लाइड, वी प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट कवर्ड, एक बार तो अवनीश को बचा लो, वी प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट कवर्ड। सरबजीत कुमार जी, आपका तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। सर इन केस ऑफ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एंड अदर वेलफेयर फंड, इफ नॉट डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट अंडर रिलेवेंट सिचुएशन, कितनी बार पूछोगे यार, आ तो गया, चलो ये तो अलाउड ही नहीं है। चेकमेंट पर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अमेंडमेंट इन 43B फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसमें कुछ नहीं है, वो एमएसएमई वाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्पेशल, आप रजिस्टर करा लो, अपने आप को बेनिफिट ले लो। हाँ जी, आप रजिस्टर करा लो, बेनिफिट ले लो। अश्विनी, एक क्वेश्चन मेरे पास भी आया एक पार्टिसिपेंट्स का, सर वो ये पूछ रहे हैं, इफ आई हैव ओनली रेंटल इनकम एंड शोन एज बिजनेस इनकम, कैन आई गो फॉर प्रेजेंटिव टैक्स? रेंटल इनकम पहला तो पॉइंट है, वेल इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी शोन बिजनेस इनकम, शो ही नहीं हो सकती, इट हैज टू बी शोन हाउस प्रॉपर्टी, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर, स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम, द इनकम गो अंडर दैट हेड एंड नॉट, इट डजंट गो अंडर अदर, वालिका Well, it is not covered there. फिर तो हाउस प्रॉपर्टी भी क्यों कहोगे, बिजनेस को अदर सोर्सेज में भी ले सकते हो, बट सर वो छोड़ो, ले नहीं सकते ना, वो सेक्शन ही नहीं जब प्रिंट करता, वो कोई अपने कोई जजमेंट आई हुई है कि टेम्पररी फैक्ट्री को लेट आउट कर दिया तो बिजनेस इनकम हो गया, वो जजमेंट से, वो ऐसा नहीं है कि भाई आई वाज रनिंग ए फैक्ट्री, नाउ मेरी फैक्ट्री टेम्पररी क्लोज हो गई, मैंने वो रेंट के लिए दे दी 2-4 महीने 6 महीने में, फिर मैं दोबारा बिजनेस शुरू करूंगा, तो उन्होंने कहा दिस कैन बी टैक्स अंडर द एक्ट बिजनेस इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज ये ऐसा कोई लॉ नहीं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर यूट्यूब पे आया हुआ है, वो ले लें, वो राकेश सोनी जी का है कि चेक इशू कर दिया हमने 31st से पहले बिफोर ड्यू डेट, तो वो क्लियर नहीं हुआ, उसका क्या पोजीशन है सर? चेक आपने इशू कर दिया, हाँ, उससे क्लियर नहीं कराया, हमारा लॉ ये कहता है जब चेक इशू करा अगर वो ऑनर हो गया तो वो इशू की डेट से ही माना जाता है। ठीक है सर, वो इशू की डेट से माना जाता है, अगर मिस ऑनर हो गया वो नहीं माना जाता, ये कभी प्रोविडेंट फंड में आया करता था, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में 15 तारीख को चेक जमा करा दिया, उन दिनों में तो था नहीं ना ऑनलाइन वगैरह,
तो 15 को चेक जमा करा दिया, वो बैंकर ने 17 तारीख में आया, तो वो कब गया इनकैश माना जाता, 15 को माना जाता। अगर डिसऑर्डर हो गया तो बात अलग, तो इसलिए वो आप ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि चेक इशू कर देगी, उसे कहेंगे रोक ले, जमा ना करा महीना दो महीने, तो 3 महीने तक तो वैलिड है, ये बातें वही कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। और ये यूट्यूब का क्वेश्चन था सर, सर इफ एमएमसी क्वेश्चन नहीं था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्लानिंग का क्वेश्चन था, बताने के तरीका, ये तरीका था। रिसीवर एमएससी में आपकी किताबों में एंट्री हो गई, आप रिकंसिलिएशन में डाल देंगे। सेकंड हाउस लिबर्टी इज दैट, आप क्या डालेंगे एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हाँ जी हाँ जी ना सर, एक है सेकंड हाउस लिमिट इज दैट इंक्लूडेड इन 10 करोड़ लिमिट। सर 54 में हर घर अलग है, तो एक घर बेच के एक लिया है 10 करोड़, दूसरा घर बेच के फिर लो 10 करोड़, दोनों मिला के 10 करोड़ नहीं है। राशि जैन जी आपका जो क्वेश्चन है ना, कैन यू प्लीज टेल ए जजमेंट फॉर 44 ADA विच स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस नीड टू बी डन टू शो प्रॉफिट। ये कोई मतलब मेरे ख्याल में लंबी जजमेंट नहीं है, ये एक हमारी मैडम ने जजमेंट डाल दी कहीं, दे दी नंदू की, चंडीगढ़ ट्राइब्यूनल की, और बिल्कुल गलत जजमेंट। ये जजमेंट की क्या जरूरत है, उसमें लिखा है इट इज हायर, इट हैज टू शो हायर। अब ये लोग कर रहे हैं ना, कमाते हैं 70-80%, दिखाते हैं 50%, ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैडम को बोल दो 80 का 80 दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, बट सॉफ्टवेयर कैश के घर में रख लो, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन 50 से कम वो नहीं होगा, बैंक में नहीं रखना। बट अबाउट सॉफ्टवेयर, अरे तो ये जब कालरा जी से पूछिए, ये कालरा जी बताएंगे इसका जवाब, क्यों कालरा जी किताब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा क्वेश्चन नहीं पूछना सर, इस कंडीशन में आए हैं, नहीं उनको बीच में एंगेज करो। चलो चलो, व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर, इज सॉफ्टवेयर कवर्ड अंडर सच एन इंटेंजिबल एसेट, व्हाई नॉट, किसके लिए पूछ रहे हैं। टेंजिबल थोड़ी, वो तो हार्डवेयर के उसमें जाता है ना, टेंजिबल में जाता है सॉफ्टवेयर, और वो कुछ और चीज का पर्पज है, वो कुछ और चीज का पर्पज पूछ रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर बेचे तो वैसे रॉयल्टी का काम आता है, वो तो रॉयल्टी में आ जाता है, उनके क्या बता दू, टैक्सेशन का बहुत खतरनाक डाल दिया है। पहले हम जो रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह की पेमेंट बाहर करते थे तो TDS 10% था, और 10% ही टैक्स लगता था 115A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, अब उसको उठाकर 20% कर दिया है। किसी जमाने में 25 भी किया था ये, और कई बार क्या प्रॉब्लम आती है ऋषभ, हम अपनी जेब से TDS देते हैं, वहां मर जाएगा, ग्रॉसिंग अप करके उसको ऊपर आ जाएगा 22% वो आ जाएगा, क्योंकि अब क्या है, अब जो ट्रीटी है, कई ट्रीटी में रेट 15% था, कई ट्रीटी में 10 था, कई ट्रीटी में था, तो ट्रीटी के अंदर रेट ज्यादा था और हमारे यहाँ रेट 10% था, तो लोग ट्रीटी का बेनिफिट लेते नहीं थे, सीधा सीधा 10% का TDS काट के प्लस सरचार्ज दे देते थे। अब 150 AIB में अब आपका TDS सॉरी रेट ऑफ टैक्स 20 हो गया और TDS भी 20 हो गया। रॉयल्टी पेड आउटसाइड इंडिया और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड आउटसाइड टू ए नॉन रजिस्टर्ड, अब TDS 10% का 20 हो गया प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन टैक्स, और वो आपको बता दिया, वो भी याद रखना। और डिविडेंड जो आएगा यूनिट ऑफ ए इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर का, उस पे डिविडेंड पे टैक्स 10 हो गया, वो 10 है, ये बता दिया। चलिए आगे चलिए, अरे क्वेश्चन तो बहुत हैं, कंटिन्यू करते रहे, मुझे क्या पता, आपको पता है? नहीं हम तो फ्री हैं सर, व्हाट अबाउट ओरिजिनल कूपन्स, ओरिजिनल कॉर्पस, बट अबाउट ओरिजिनल कॉर्पस, ओरिजिनल कॉर्पस क्या मतलब, पता नहीं सर, इतना ही है क्वेश्चन। नहीं, अगर आपका पुराना कॉर्पस है वो रहने दो, नए कॉर्पस की बात हो रही है। जो भी कॉर्पस 1/4/2021 के बाद आया, काइंडली नोट, पहले तो 11(5) में रखिए, फिर उसमें से कुछ यूज करेंगे तो वो एप्लीकेशन तब माना जाएगा जिस साल रिवर्स कर दो वापस। ठीक है सर, ओनली अनपेड लोन विल बी नॉट कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन और एंटायर, ऑब्वियसली नॉट विल बी कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन, तो फायदा क्या हुआ, 5 साल के अंदर लोन वापस कर दो तो वो एप्लीकेशन है, 5 साल के बाद जो भी करोगे वो एप्लीकेशन ही, तो मर गया ना मत बेचारा। एक सर किसी ने पूछा, सर यूर कमेंट्स ऑन 56 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 8B 7B, ऑलरेडी बता तो चुके हैं, रह गया भाई पहले रेजिडेंट से, पहले था 56(2)(7B) में रेजिडेंट को जब शेयर इशू करते थे तो दैट शुड हैव बीन फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड अंडर 11(U)(2) U(8)(2), और अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा करते थे तो डिफरेंस टैक्स लगता था कंपनी को, क्लोजली हेल्ड कंपनी को। अब इन्होंने नॉन रेजिडेंट का भी कर दिया,
पहले क्या था, फेमा के रूल में लिखा था अगर नॉन रेजिडेंट को शेयर इशू करेगी क्रॉस रेजिडेंट कंपनी कैन नॉट बी इशू लेस देन पेयर मार्केट रेट, बट दैट कुड बी इशूड मोर देन पेयर मार्केट रेट। अब इन्होंने कह दिया मोर देन पेयर मार्केट वैल्यू भी नॉन रेजिडेंट को नहीं कर सकते, उन्होंने वर्ड रेजिडेंट हटा दिया तो नॉन रेजिडेंट भी आ गया। ये क्या हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, यहां से शेयर पैसे कहीं ना कहीं जाके वहां से पैसा ला जाते थे मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर। एक 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में भी बेचो नॉन रेजिडेंट को तो वो 990 रुपए जो प्रीमियम आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब मार्केट वैल्यू से ऊपर बेचेंगे तो कंपनी को टैक्स लग जाएगा नॉन रेजिडेंट को। सर अब क्वेश्चन अभी बहुत पड़े हैं, मैं ना हैंड रेज वालों का एक एक क्वेश्चन लूंगा सर, पहले पैनलिस्ट में से एक एक क्वेश्चन ले लो सर। अनुराग जी आप एक एक क्वेश्चन अपना पूछ लो सर। सर गुड आफ्टरनून सर, मेरा ना एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन है, जैसे जो पहले एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन थी उनको 1023(3)(AD) और 3(AE) में एग्जम्पशन थी और एग्जम्पशन पहले 1 करोड़ की 5 करोड़ हो गई सर, वही मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ, पहले 1 करोड़ की लिमिट थी तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसी थी जिनकी 2.5-3 करोड़ की ग्रॉस रिसीट्स थी तो उन्होंने 11-12 की एग्जम्पशन ले रखी थी, अब लिमिट 5 करोड़ हो गई है और वो उसको मतलब रजिस्ट्रेशन को फोरगो करना चाहते हैं तो क्या वो क्यों आपने अप्लाई क्यों किया दोबारा? ना आपने अप्लाई क्यों किया रिन्यूअल सर, उसमें 115 था जब आप नहीं, उसमें से नीचे थे, अप्लाई ना करते अपने आप खत्म हो जाता सर, उसमें 115 टीडी का इश्यू आ रहा था ना, टीडी तब था ही नहीं, तब टीडी था ही नहीं, उसमें ये था ना कि अगर रजिस्ट्रेशन आपकी मतलब कैंसिल हो जाती है तो उसको आपको फेयर मार्केट कह रहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही करी इन ऑपरेटिव, आपने अप्लाई नहीं किया इनऑपरेटिव हो गई, वो तो अब आया है ना, वो तो अब आया है, पहले थोड़ी था, उस वक्त तो था ही नहीं है लॉ, वो तो अब आया ना रिजर्व के 115 टीडी, वो तो पहले कहां था, अगर अप्लाई कर भी आप सरेंडर कर सकते हैं, यू मे कैन मेक इट इनोवेटिव बट यू विल हैव टू राइट कि 1023(AD) में जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं है कि आपने रिन्यूअल नहीं कराया, आप चाहते हैं इसको इनऑपरेटिव कर दिया जाए जब तक 5 करोड़ ना हो, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दूं, हम लोगों ने सबको यही बताया था डू नॉट अप्लाई, उस पर कोई लॉ नहीं था कि आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको हमारा 115 टीडी लगा देंगे, वो तो अब आया कि रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे 115 टीडी लगा देंगे। अभी भी एक सेक्शन है मेरे को इसी में लिखा हुआ है कि आप चाहें तो आप इसको इनऑपरेटिव करा सकते, इनऑपरेटिव करा के आपने लिख के देना पड़ेगा कि 1023(AD) में और AE में जा रहे, आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए था, फिर भी मेरे को आप टेलीफोन बात करना, मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज बताऊंगा उस सेक्शन की क्या लिखा है, ठीक है जी। लो सर अगला क्वेश्चन सर हैंड रेज है राकेश गुलाटी जी का, हाँ जी राकेश गुलाटी जी पूछिए सर अपना क्वेश्चन, देन वरुण जी का है जी हैंड रेज, आप पूछिए जी क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सर इंश्योरेंस पॉलिसी ली बोरोवर के नाम पे बैंक बोरोइंग को सिक्योर करने के लिए, तो क्या हम उसको खर्चे को बिजनेस एक्सपेंस में ले सकते हैं? दोबारा बोलिए क्या कहा सर, बैंक से जब लोन लेते हैं आजकल बैंक पॉलिसी बेचते हैं कि आपकी पॉलिसी करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, जो प्रीमियम पे करेंगे आप वो टर्म इंश्योरेंस है एक्चुअली, इन केस ऑफ योर डेथ द इंटायर लोन विल बी पेड अप बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो वेदर माई दैट प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड। लोन किसने लिया है? लोन तो सर बोरोवर ने लिया है। बोरोवर कौन है? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है सर, बिजनेस मैन ने लिया तो लोन की आपने इंश्योरेंस करी है, वो कह रहा है कि इंश्योरेंस अगर आपको लोन आप पे नहीं कर सकेगा बिजनेस तो वो देगा, तो फिर तो आप क्लेम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, एक्सपेंस है, राइट सर। नेक्स्ट प्रशांत जी का क्वेश्चन, प्रशांत खंडेलवाल जी, उपेंद्र भट्ट जी। यस सर। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी सर, हाँ जी पुलिस क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी सर क्वेश्चन ये है, सपोज देयर वाज अ होटल जिसमें बिजनेस इनकम दिखाई जा रही थी, नाउ दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंट दे रहे हैं, विल इट बी टैक्स अंडर बिजनेस इनकम और कॉस्ट विल बी कवर्ड अंडर, अगर आपका अगर आपने होटल दिया विद ऑल द ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एवरीथिंग तो आपको और वो रेंट डिविजिबल नहीं है, कंपोजिट रेंट है, तो आप बिजनेस में जा सकते हैं, अदर सोर्स में जा सकते हैं, अगर होटल की बिल्डिंग का अलग लिया है और बाकी चीजों का अलग लिया है तो फिर आपको बिल्डिंग वाला हाउस उसमें लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी अदर लेंगे, वो तो 30% की वजह से है ना जी,
आपने होटल एज इट इज दे दिया और इसपे विद फर्नीचर एवरीथिंग जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो आपको बिजनेस इनकम मिल जा सकते है, क्यों नहीं जा सकते, कंपोजिट रेंट है ना। और सर एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बजट और अमेंडमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे क्योंकि बाकी तो हम सेमिनार करते रहते हैं। एक और सर क्वेश्चन आपने तरुण शर्मा जी आपका हैंड रेज था जी, सुनील बजट के लिए तो बाकी पूछते रहे ना। सर इन केस ऑफ फॉर्म 10 बी फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट सो वेदर द रेवेन्यू एक्सपेंसेस व्हिच वाज इनकर्ड बाय द चैरिटेबल एंटिटी दैट विल बी अलाउड और दैट विल आल्सो बी डिसअलाउड। एक और मेरी बात हुई और कालरा जी ने भी कहा था, हमारे को बात करी थी, अब इनके यहाँ इन्होंने एक बात कर दी 139(1) में भी रिटर्न भरेंगे, 139(4) में भी भरेंगे, 4 भी आपको दे देंगे, लेकिन उसके बारे में मैंने उनको कहा था सुन लीजिए, लेकिन अगर वो 10 बी लेट भरेंगे तो नहीं मिलेगा, 10 डबल बी लेट भरेंगे तो नहीं मिलेगा, वहां तो उन्होंने ड्यू डेट लिखी हुई है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया, हालांकि वो 30 जो आप बता रहे हैं वो 13(10) है कि वहां पर उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किए, 4 कंडीशन सेटिस्फाई करें कि वो आउट ऑफ कॉर्पस नहीं दिया गया, उसको आपने डेप्रिशन क्लेम नहीं करी, वो चीजें और ये वायलेट नहीं किया कंडीशन, तो वो अलाउड है, लेकिन इनसे गलती हो चुकी है, ये एडमिट नहीं कर रहे, अब आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भरेंगे तो वो अलाउड हो सकती है प्रोवाइडेड बाकी कंडीशन आपसे। हाँ जी नेक्स्ट जी अपने सुनील मुंद्रा जी और कृष्णा अग्रवाल जी। सर हेलो। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर, ये पूछा था एमएसएमई का जो पेमेंट का अमेंडमेंट आया वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ऑडिटिंग में अप्लाई होगा? सर आप 1 अप्रैल 2023 से आया, नेक्स्ट ईयर से आएगा सर वो तो, मतलब 22-23 की फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट पे नहीं देखना, 24 से आएगा। हाँ जी कृष्णा अग्रवाल जी, प्रशांत खंडेलवाल जी, आत्माराम सरिया जी, विपुल अरोड़ा जी, सर आपको हैंड रेज थे, आपको मैंने अनम्यूट किया है सर प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी विपुल जी पूछिए पहले आप। हाँ जी सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, वो बजट से रिलेटेड तो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट सर, बाद में सर, सर वो क्रिप्टो करेंसी पे है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में सर प्लीज, क्रिप्टो करेंसी पर बाद में। हाँ जी आत्मा जी आप मेरे को टेलीफोन करके पूछ लेना है यार, ओ सर मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत क्वेश्चन पड़े हैं सर अभी बजट के, मैं कब कह रहा हूँ मैंने मना कर दिया सर, आपकी बात ही माननी है करता जी। सर आत्माराम सरिया जी। हाँ जी आ रही आवाज? हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही शायद आपको? आ रही है सर, आ रही है, आप बोलिए। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जैसे LIC प्रीमियम पिछले सालों में 6-7 लाख रुपए दे रहे हैं हम, तो कोई लेना देना नहीं है, कोई करंट ईयर में 2023 है उसके बाद देखना है, पहले वाली कोई नहीं देखनी, और करंट में यदि करंट में 5 लाख से कम देते हैं तो ही देखना है 1-4-2023 से बाद, उसमें 5 से ज्यादा होगा तो लगेगा, तो लगे 5 से, मतलब एक पॉलिसी है तो 5 से ज्यादा, एक से ज्यादा है तो जो पॉलिसी 5 से नीचे वाली है उसमें नहीं लगेगा, जो 5 जिसकी वजह से 5 से ऊपर चले गए उसमें लगेगा, जो अभी आपने बताया 4.5+1 होते ही 1 पे लग जाएगा, हाँ एक वाले पे लगेगा, 4.5 वाले पे नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी कृष्णा अग्रवाल जी, देन सर्वजीत कुमार जी, रोहन अग्रवाल जी, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए सर। विपुल अरोड़ा जी क्या कह रहे तू? मेरे ख्याल में रोहन जी। हाँ जी पूछिए जी। जी सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर एजुकेशन के लिए बैंक लोन लिया था 2017 में बिल्डिंग बनाने के लिए और अब जाके उसमें सरप्लस आना शुरू हुआ है, हम उसको रीपे करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एप्लीकेशन भी माना जाएगा? लोन लिया था तो क्या एप्लीकेशन माना था सर? बिल्डिंग इतनी तब प्रॉफिट ही नहीं था तो बिल्डिंग 30 करोड़ की बनी थी तो उसको, अरे आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा था? नहीं लिखा था उसको, और नहीं लिखा था मुसीबत है, मैंने उनको यही तो कहा था कि उन पुराने आदमी को क्यों मार रहे हो, उन्होंने लिख दिया 1-4-21 से पहले का लोन कभी नहीं मानेंगे, मैं क्या बोलूं, और उसमें लिख दिया कि 1-4-2021 से पहले जो लोन लिया है उसको रिफंड में एप्लीकेशन नहीं माने जाएंगे। जमा करा
सर मैं दोबारा बोलिए की क्या है। मैं कह रहा हूँ सर कि इन्होंने एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ते एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ट्रीटमेंट सेपरेट करती। हाँ जी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन मैं कहना जी मैं डिफॉल्ट नहीं करना, मैं नाल नाल जमा करा देना, एम्प्लॉयर दे मेरे को पैसे है नहीं, मैं जमा कराने जाना वो मैं कल्ली एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करा देता। दैट इज द ईएसआई एक्ट। यही कह रहे होंगे ना। हाँ जी सर विपुल जी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी सर, सर मैंने ये पूछना था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है सर, संदीप जैन जी का क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट में से विजेता भी है सर। इसमें 194 आर वाली हमारा क्वेरी बीच में रह गया था, वेयर इन की जहाँ सब्सिडियरी का लोन वेव ऑफ करती है होल्डिंग कंपनी, जो उसने सोचा तो यही है, लेकिन फिर भी मुझे एक टाइम दे दो क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। लेट मी चेक अप, अदरवाइज तो मेरे दिमाग में तो यही है कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी लेट मी चेक। सर बट होल्डिंग कंपनी को उसमें लॉस मिलता है, जो आपका व्यू था कि उसमें लॉस नहीं मिलेगा, उसमें आइदर 37 में या कैपिटल लॉस। अगर बैंकिंग लोन दे रही है तो लॉस मिलेगा, कैसे होगा? होल्डिंग कंपनी को लॉस क्यों मिल जाएगा अगर लोन है सिर्फ? नहीं नहीं सर, लोन फॉर द रनिंग ऑफ द कमर्शियल एक्सपेक्टेंसी में 37 में जजमेंट्स है, वो फिर अब आगे ना रेवेन्यू लॉस हो गया जी, रेवेन्यू लॉस ऑफ इसकी इनकम हो ही जाएगी फिर तो। अब आप रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हो? जी 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 जा, देखो यही तो दिक्कत है, लोन कैन बी लोन फॉर कैपिटल पर्पस और लोन कैन बी फॉर रेवेन्यू लॉस, वो अलग है, वो तो होगा फिर इनकम होगी इनकी। हाँ जी हाँ जी, विजेता अग्रवाल जी हेलो। हाँ जी सर, मेरा क्वेरी यह है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करेगा, उसके साथ में क्या मिस ऐसा हो सकता है कि उसको मिस एक इनकम अर्न हुआ उसके लिए वो 11(2) का एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहे और फॉर्म 10 फाइल करना चाहे? 11(2) के लिए तो वही डेट है जो डेट थी ड्यू डेट, ये तो आपको टैक्स ज्यादा देना है तो दे दीजिए, वो अपडेट को क्यों देंगे जी? 11(2) का फॉर्म 10 जाता है और 10 फॉर्म आपको ड्यू डेट तक फाइल करना था, इसमें कोई डेट एक्सटेंड थोड़ी की गई है फॉर द पर्पस ऑफ अपडेटेड रिटर्न, सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा ठीक है सर। ICICI बैंक जी, पूरा बैंक पूछ रहा है सर क्वेश्चन, अपना नाम नहीं आ रहा सर, पूछिए क्वेश्चन। आपका हैंड रेस था जी ICICI बैंक। चलो जी सर, उसके बाद सर और किसी का पैनलिस्ट में से क्वेश्चन है हैंड रेस में पूछ लीजिए। मेरा है एक क्वेश्चन। हाँ जी सर प्लीज। गुरु जी प्रणाम। अपना जी पुरी साहब बोलो। ये जो सेक्शन 54 की डिडक्शन है, इट इज एसेट बेस्ड या असेसी बेस्ड? कि दो एसेट बेस्ड, दैट मीन इफ टू पीपल बाइंग एसेट वर्थ 18 करोड़ ईच फॉर 10 करोड़ ईच फॉर 10 करोड़ ना, अगर जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर तो फॉर ईच 10 करोड़, नॉट एसेट बेस्ड बट असेसी बेस्ड, दे आर सेपरेटली असेस्ड। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी सर हमारे पैनलिस्ट में से क्वेश्चन हो तो सर, तो उसका। अच्छा ललित कांसल जी, आपका हैंड रेज हुआ है जी, आप पूछिए सर। सर ये पूछना है, अगर 1023C की जो रिटर्न है ड्यू डेट तक नहीं भरी तो एग्जम्पशन मिलेगी क्या? जो 1023C में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रिटर्न है जो विद इन ड्यू डेट नहीं भरते तो एग्जम्पशन मिलेगी उसकी? पहले अलाउड थी, अब तो लॉ बदल दिया है उन्होंने, अलाउ कर अब तो दो साल पहले लॉ बदल दिया है कि ड्यू डेट तक रिटर्न भरनी पड़ेगी नहीं तो नहीं मिलेगी एग्जम्पशन, पहले अलाउड थी। अर्लियर देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि आप ड्यू डेट तक रिटर्न भरेंगे तो तभी मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब वो पीछे जब अलाइनमेंट करी और ये फर्स्ट रिजीम इसमें 1023 और कंपेयर किया, अलाइनमेंट करी है, उसमें कह दिया कि वो तो ड्यू डेट तक भरनी पड़ेगी। और सर सॉरी मैं बीच में ना, अगर किसी पैनलिस्ट का क्वेश्चन है ये, पर 5 करोड़ के कम वालों की दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ से ऊपर वालों की दिक्कत है जो 6, 6A, 4, 5, 4, 5 में। बस हम 10 मिनट और इनकम टैक्स का कंटिन्यू करेंगे, अगर पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना तो 5 मिनट में हमने जीएसटी की प्रोविजंस भी बतानी है। बिल्कुल रिक्यूज कर देना तो नहीं नहीं सर, आपके बाद ही कह रहा हूँ, अभी 10 मिनट आपके, 5 मिनट उसके बाद पीयूष जी के ऑन द जीएसटी प्रोविजंस, और उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो ऋषभ जी से रिगार्डिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब अभी सर 10 मिनट है हमारे पास मैक्सिमम,
गुरु जी के, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्यूए में एजेंडा की मैं को छोड़ रहे 10 मिनट उनको दूंगा, अभी भी 10 मिनट लोगे मेरे से। मैं सर क्यूए में कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, जिसका भी क्यूए में क्वेश्चन है वो काइंडली हैंड रेज कर दे, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। 5 से 7 रखा था आपने सर। लो जी एक आ गया जी, नवनीत जैरत जी का क्वेश्चन है सर, हैंड रेज था, अनम्यूट किया जी आपको। नमस्कार सर, पता करना था पीछे जो बात टेलीफोन करते हैं मेरे को पता नहीं आज सर बड़े दिन बाद दर्शन हुए आपके। बीका जी कामा पैलेस वाले हैं मैं राइट? हाँ जी, बीका जी कामा नहीं, रजौरी गार्डन हूँ सर। रजौरी पहले बीका जी कामा, चलो बोलिए बोलिए बोलो, आपका टेलीफोन तो आते हैं ना बहुत। हाँ जी सर, लास्ट ईयर हमने रजिस्ट्रेशन कराई थी एटीजी में किसी ट्रस्ट की, तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिली फर्स्ट टाइम, तो उसको 6 महीने में रिन्यू। हाँ जी, एक्टिविटी कमेंस कर दी बाद में? हाँ जी कर दी। तो 6 महीने के अंदर अप्लाई करना था रेगुलर के लिए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में तो 3 साल का पीरियड उन्होंने लिखा है। अरे सर उसने लिखा हुआ है दैट यू हैव टू अप्लाई विद इन 6 मंथ इफ यू हैव कमेंस द एक्टिविटी फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। एक्टिविटी एक्चुअली उससे भी पहले चल रही थी, हमने बीच में फर्स्ट टाइम कर दिया था, तो उसी बार कर देना चाहिए था अप्लाई 6 महीने में जब मिला था प्रोविजनल। अभी भी कर दीजिए फंस जाओगे, अभी तो कल शायद वो कंडोन कर दे इन लोगों की जो गलतियां हो चुकी है, लेकिन अब फंस जाओगे। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर, चंद्र शर्मा जी आपका क्वेश्चन हैंड रेज है सर। चंद्र शर्मा जी पूछिए सर। मोहित अरोड़ा जी सर जल्दी पूछिए, मोहित अरोड़ा जी, चंद्र शर्मा जी आपके हैंड रेज है सर। हाँ जी हाँ जी पूछिए सर मोहित जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 12AA और 80G के लिए जो प्रोविजनल की बजाय रेगुलर के लिए अब जो फॉर्म फाइल करने हैं वो कौन से फॉर्म है? है जी फॉर्म वही है, कोड नंबर अलग होता है, फॉर्म वही है कोड नंबर अलग होता है। सर कोड कौन से है फिर उसके अंदर? अरे यार ये भी मैं बताऊंगा, एक बार फॉर्म उठा लो ठीक है, उसके लिखे में कोड 1, 2, 3, 4, 12 तक पढ़ के बताना कौन सा है वो देख लेंगे। सर चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन अगर किसी का पैनलिस्ट का है तो पूछ ले, तो फिर गुरुजी से इजाजत ले, फिर अगला प्रोग्राम 10 मिनट और चलाएंगे बस। सर अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी पैनलिस्ट का अटेंडी का तो वो काइंडली पूछ सकते हैं सर गुरुजी से। मेरे ख्याल में गुरुजी आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं जो अनआंसर्ड रह गया हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कोई लोग इंतजार कर रहे थे आधे घंटे से, मैंने कहा था 7 बजे आ जाना। चलो सर, अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर आ गए हैं पीयूष बंसल जी, तो मेरे को जरा मैं माफी चाहूंगा सबको, थैंक यू वेरी मच, और मैं जरा मीटिंग से जरा एग्जिट। संजय जी अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ गए हैं वोटिंग इकट्ठी करने के लिए, खुद वो मेरे ख्याल में वो चले गए हैं। चलो जी पीयूष जी, अब बत्रा जी ने कहा था कि जो आज एक वो एमनेस्टी स्कीम आई है वो जल्दी में बता दे, और एक रिवर्स चार्ज में जो क्लैरिटी आई है वो बता दे सर। हाँ जी पीयूष जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर अनम्यूट तो कर लिया, पर पहले बता दो दिया करो कि मैंने कोई सेशन में करना है आज। नहीं नहीं अगर नहीं आपने करोगे, बत्रा जी ने मेरे को बता दिया, वैसे एक तो वो एमनेस्टी स्कीम में आया है जो मेरे को, एमनेस्टी स्कीम में ये है कि आपकी जो जीएसटी की रिटर्न्स की मैक्सिमम लेट फीस है उसकी डिटेल आ गई है कि मैक्सिमम 20,000 तक लग सकती है, हर रिटर्न में अलग अलग कर दी है, मैक्सिमम 20,000 से ऊपर की पेनल्टी नहीं लग सकती अब जितनी आपकी पुरानी रिटर्न पेंडिंग है। एक तो ये एमनेस्टी आई है, जैसे GSTR-4 किसी की पेंडिंग है, सेपरेट नोटिफिकेशन, कल सारी नोटिफिकेशन दे दी जितनी जीएसटी काउंसिल ने बताई थी, वो सारी आके टोटल एमनेस्टी आ गई है, वो क्लियर है सर। और क्या है सर? और इसके अलावा लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न और जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है 31 दिसंबर से पहले। हाँ जी, अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है और हम लिमिटेड टाइम के बीच में जैसे 30 दिन के अंदर हमें रेवोकेशन करनी थी, वो हमने नहीं अप्लाई की, तो वो हम 30 जून तक कर सकते हैं। और तीसरी आई है लेट फीस फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न, अगर आपने नंबर सरेंडर कर दिया और फाइनल रिटर्न भरना भूल गए, 10,000 की बजाय वो 1,000 कर दी उन्होंने, वो मैक्सिमम कर दी, क्योंकि किसी की पेंडिंग रह गई है 10,000 थी, अदरवाइज हमें 3 महीने के अंदर अंदर वो फॉर्म 10 GSTR-10 फाइल करना होता है, अगर वो नहीं किया है तो अगर अब किसी का पेंडिंग है तो आप 1,000 लेट फीस के साथ कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने सिर्फ इसीलिए वो पेंडिंग रख रखी थी कि 10,000 की लेट फीस कौन दे, कभी ना कभी तो ये स्कीम आएगी, वो अब आ गई है, आपको उसका बेनिफिट लेके जिसकी GSTR-10 रहती है फाइनल रिटर्न फाइल कर दीजिए। ये सब 30 जून तक की है सर, 30 जून तक ये सारी स्कीम 30 जून तक।
और बत्रा जी ने मेरे को बता दिया था जल्दी में, मेरे को जितना समझ आया मैं बता देता हूँ। वो एक रिवर्स चार्ज के रिलेटेड उनको था भी शायद रिवर्स चार्ज में कुछ एक कोर्ट्स की जजमेंट थी कि जी अगर आपने हॉस्पिटल में रिवर्स चार्ज वाली कोई एक्टिविटी की है तो उस पर नहीं लगेगा, तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि लगेगा, रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा आपको, जब तक कि वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई ना करें कि इनको जरूरत नहीं है। अब क्लैरिटी आ गई कि चाहे आप हॉस्पिटल में कंपलसरी रिवर्स चार्ज की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जो कंपलसरी रिवर्स चार्ज में है तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा जीएसटी में, अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफाई नहीं करते बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कि ये वाली सर्विसेज को हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। एक उन्होंने ये बताया था जहां तक मैंने अंडरस्टैंड किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऋषभ अग्रवाल जी को, अगर इसमें सिर्फ क्यूरी लेंगे हम, कोई क्वेरी आपकी है रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्स तो आप हैंड रेज करें, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड करेंगे। सर अश्विनी जी, पीयूष जी से मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ जी, हाँ जी सर। पीयूष जी, जो ये एमनेस्टी आई है कि इफ रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड और हम लोगों ने कई केस में तो रिट फाइल कर रखी है, तो उस रिट को विड्रॉ कर लें या उसको भी परस्यू करें? सर रिट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये रिट अभी कंटिन्यू रहने दीजिए, एट द सेम टाइम आप डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दीजिए अंडर दिस न्यू एमनेस्टी, अगर आपकी रेवोकेशन हो जाती है उसके बाद रिट विड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक, थैंक यू सर। अगर आपका कोई अब ऋषभ जी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछे। सचिन शर्मा जी, आपका सर ऋषभ जी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछे सर। हैंड रेज था सुरिंदर पाल जी, धर्मिंदर सिक्का, देन उपेंद्र भट्ट। अगर ऋषभ अग्रवाल, इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, जीएसटी के लिए। जीएसटी का सर पूछ लीजिए जल्दी में, क्योंकि अभी ना सिर्फ वो ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं सर आज ले रहे, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं है सर इसमें, ये एमनेस्टी के रिलेटेड है कि हमारी किसी क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई थी, रिवोकेशन के लिए हमने किया था तो वो रिवोकेशन नहीं दे रहे थे, हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, रिवोकेशन नहीं दे रहे थे, तो कह रहे थे नए जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करो। कैन वी गो इन फॉर द amnesty or we will wait for our own jo apne application ki hai, will that be considered or a fresh application? aapne nayi registration ke liye apply kar diya kya? nahi, nayi ke liye nahi kiya. to sir revo ye amnesty scheme ka benefit lijiye sir, usme revocation ke liye dobara nayi se apply karna padega? haan ji, haan ji, revocation ki application dijiye sir, revocation ki manual application jayegi sir, manual? haan ji, haan ji, okay. हाँ जी सर, और किसी का क्वेश्चन है तो सर काइंडली पूछेगा सब, ऑलरेडी हाफ एन आवर। हेलो सर, मैं सचिन बोल रहा हूँ। हाँ जी सचिन जी। हाँ सर, मेरे को ऋषभ जी से एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर हम किसी को फॉरेन कंट्री में रॉयल्टी पे करते हैं, रॉयल्टी ऑन सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन चार्जेस देते हैं एनुअली, तो उससे क्या टीडीएस की इम्प्लीकेशन रहेगी या क्योंकि बजट के रिलेटेड? ऋषभ जी, अगर आप कुछ कहना चाहें बजट में कोई एक दो चीजें मतलब जो आई है रेलिवेंट टू ऑल मेंबर्स है, जो ज्यादा कोई स्पेसिफिक सिटी के रिलेवेंट ना हो तो। सर गुरुजी ने कवर कर ली थी जो रॉयल्टी एफटीएस का रेट बढ़ा है सेक्शन 115A में, उसका बस इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम डीटीए बेनिफिट लेंगे तो जो एग्जेम्पशन थी फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग फॉर नॉन रेसिडेंट्स अंडर सेक्शन 115A सबसेक्शन 5 वो नहीं मिलेगी। तो यदि हमारा रॉयल्टी और एफटीएस की इनकम है इंडिया से फॉर अ नॉन रेसिडेंट और हम डीटीए बेनिफिट ले रहे हैं, सो इट विल बी मैंडेटरी टू फाइल अ रिटर्न, एंड टू फाइल अ रिटर्न हमें 139A से पैन भी लेना ही पड़ेगा, तो पैन लेके रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी एंड ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स टू टेक डीटीए बेनिफिट हैव टू बी फुलफिल्ड। दिस इज द ओनली मेजर इंपैक्ट सर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आया है फ्रॉम दिस न्यू अमेंडमेंट। ओके सर, और तो नहीं कुछ है सर अपडेट? नहीं सर। चलो जी, मेरा एक सवाल है। आइए। हां जी ऋषभ जी, मेरा एक सवाल है कि जो नॉन रेजिडेंट है हु आर रनिंग ओवरसीज यूनिट्स and they give some consultation overseas only. Sir, अगर budget के related नहीं है तो आप budget के related है, budget के related है, and they are not filing the return, they don't even have a PAN. But as per the new amendment, all those companies which are giving royalty and the technical services
will have to register themselves under PAN and file the returns? Not necessarily, sir. We'll have to see whether they are offshore services or not. If they are offshore services are not rendered in India, mm-hmm. then I don't think the question of withholding comes into play. That's it. Thank you. Thank you very much, sir. गुरुजी का अब इन एब्सेंशिया, क्योंकि गुरुजी ने हालांकि हमें जो टाइम दिया था उससे ज्यादा लगा के गए हैं हमारे साथ 20-25 मिनट, और हमारी सेकंड फैकल्टी जो हमारे पीयूष बंसल जी का, और देन थर्ड फैकल्टी ऋषभ अग्रवाल जी का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो पैनलिस्ट्स का जिन्होंने अपना वीडियो ऑन रखा, क्योंकि गुरु जी को एनर्जी मिलती रहती है कि पैनलिस्ट की जो उनको दिखती है ना पिक्चर, तब वो उनका जरा जज्बा और बढ़ जाता है। तो और सबसे ज्यादा अटेंडीज, आज हमारी जो लिमिट है 500 है, इसके अलावा हम पैनलिस्ट ले सकते हैं, तो वो पैनलिस्ट लेने के बाद आज 521 की लिमिट कंप्लीट थी, क्योंकि 21 ही हमारे पैनलिस्ट में आए थे, अगर वो 100 होते तो 100 आ जाते। लेकिन और उसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारे लाइव जो वॉच कर रहे थे लगभग 150+ लोग थे, तो टुडे प्रोग्राम वाज लाइवली अटेंडेड बाय मोर देन 700 पीपल। आई एम थैंकफुल टू ऑल द अटेंडीज फॉर द पेशेंट लिसनिंग। और दूसरा, आप सबको पता है कि मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया इतनी मेहनत क्यों करते हो, हम तो मेहनत करते हैं संजय भाई के लिए, कि आपने बस संजय भाई का कारवा बढ़ाते रहना है, उनको वोटों के लिए सपोर्ट करते रहना है। अभी से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि जो टफ कंपटीशन है अभी टाइम भी 1.5-2 साल रह गया, तो आप संजय भाई के लिए हम सब ने लगना है, जोर से लगना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम में हमें अटेंड किया। ऑल्दो इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हमें गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और बजट भी हमारा रिवाइज हुआ। आप सबसे दोबारा हम कनेक्ट होंगे आफ्टर दी बैंक ऑडिट, जब कंप्लीट हो जाएंगे मेंबर्स के जिनके पास भी बैंक ऑडिट आए हैं, उसके बाद हम गुरु जी के साथ और प्रोग्राम रीशेड्यूल करेंगे आफ्टर एटलीस्ट 25th April। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप सबने इतना टाइम स्पेयर किया और इतने लार्ज नंबर और पार्टिसिपेशन में हमारा ये प्रोग्राम अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।